बिल्कुल जारी रख रहा हूं और ये मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब आप लोग ये समझ लें, सबसे पहले तो अब मैं किसी के इस तरीके के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करूंगा। प्लीज ये मैसेज करना बंद कर दें कि आपको वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं जा रही है, मुझे प्रेजेंटर बना दें या मेरा माइक खोल दें। अच्छा जी, देखें यार, आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज समझनी होगी कि वी आर मार्केटर्स, हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, बेशक आप, हो सकता है आप लोगों को 1 साल से ऊपर भी हो गया एसईओ के अंदर, लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं अभी तक क्लियर हुई कि आप बेसिकली मार्केटर हो। आप क्या हो? आप कंटेंट मार्केटर हो। आप कंटेंट बनाते हो, ठीक है? आप कंटेंट, आप आर्टिकल लिखते हो। आर्टिकल क्या होता है आपका? आपका वो कंटेंट होता है, ठीक है? आप वीडियो बनाते हो, अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो बेसिकली, या आप वीडियो भी बनाते हो अगर, या आप एक पिक्चर भी बना के कुछ बेचने की कोशिश करते हो ना, तो आप यू आर कॉन्टेंट मार्केटर। समझ में आई बात? आप कंटेंट लिखते हो, उससे आप लोगों को कुछ असल में बेच रहे होते हो। ठीक है, अब होता क्या है, जैसा मेरा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हम लोग चूंकि कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, इसलिए फिर अब क्या है, अब आपने एक कंटेंट लिख लिया। मिसाल के तौर पे मैंने एक बड़ा हेल्थ के ऊपर अच्छा सा आर्टिकल लिख लिया, ठीक है? अब उस हेल्थ के आर्टिकल लिखने से मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे ये फायदा हुआ कि मैं एक ऑडियंस के पास गया हूँ, ठीक है? मेरा आर्टिकल उस एक ऑडियंस के पास जाए, कुछ लोगों के पास जाए, वो उसको पढ़े, मेरा एक उनसे ट्रस्ट डेवलप हो, उनको पता लगे यार इस बंदे को हेल्थ के बारे में पता है, ठीक है? ताकि मैं उनको कल जब बोलूं कि यार जब अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज चाहिए ना, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये एक प्रोडक्ट खरीद लो, तो वो प्रोडक्ट खरीद लें। ये है असल में मार्केटिंग। इसलिए हम लोग मार्केटर्स हैं, इसलिए हम लोग लोगों को यूजफुल नॉलेज और ये फलाना ढमकाना जो भी होता है कंटेंट स्किंग, वो इसलिए ये सीन है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब लोगों को नहीं पता होता बेसिकली कि हम लोग मार्केटर्स हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ कॉन्टेंट लिखते हैं, ठीक है? अनाप शनाप, उसके ऊपर भाई खुद मोनेटाइज नहीं कर सकते वो उसको, उनको खुद कुछ नहीं बेचना आता, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आई कभी कि हम मार्केटर्स हैं। तो क्या करते हैं, वो एडसेंस लगा लेते हैं रो रो के भाई एडसेंस लगा दिया। अब क्या है, अब एडसेंस आपके कंटेंट को मोनेटाइज करता है। इस चीज को समझो, अब एडसेंस का मतलब समझो। अब क्या है, आपने अपनी अपना कंटेंट बेसिकली आपने एडसेंस के हवाले कर दिया। अब एडसेंस क्या करेगा, एडसेंस के पास जो एड्स हैं वो आपके कंटेंट पर लगाएगा और आपको सिर्फ पर क्लिक पैसे मिलेंगे, सिर्फ पर क्लिक, ठीक है? आपको और बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वजह है, किसी का माइक खुल गया। अच्छा, यही वजह है कि आप लोगों को बड़े जो वेबसाइट्स हैं वगैरह हैं उन पे आपको कभी नहीं मिलेगा जो है कि किसी ने एडसेंस खोला हुआ, बहुत कम। इंटरनेशनल वेबसाइट्स की मैं बात करूं, बड़े लेवल की, आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी बड़ी वेबसाइट को आप छोड़ दें, ठीक है? मैं सही मायनों में, वो हमेशा क्या करते हैं, वो एक नीश पे वेबसाइट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो बेसिकली एफिलिएट टॉप है हमारे पास, और उसके बाद जो है वो बहुत लोएस्ट लेवल है एडसेंस, बहुत लोएस्ट लेवल है, ठीक है? अभी मैं इसके ऊपर आगे चलूंगा तो फिर उसके ऊपर मजीद बात होगी। अच्छा जनाब, अभी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि आप लोग मार्केटर्स क्यों हो, ये बात क्लियर हो गई, कंटेंट मार्केटिंग। अच्छा, फिर एसईओ कहाँ आती है? अब एसईओ उस जो आपने लिखा है, आप मार्केटर हो, आपने एक आर्टिकल लिख दिया, वो उसको बेचने के लिए लिखा है आपने कुछ। अब अगर आपने वो आर्टिकल लोगों तक पहुंचाना है ना, तो वो सर्च इंजन पे ऊपर लाना है, अब लगेगी एसईओ। अब समझ में आई? अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करोगे उसको। अभी क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब आते हैं हम लोग जरा नंबर वन पॉइंट में ही चल रही है बात, एडसेंस भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब अभी अथॉरिटीज पे बात करते हैं। असरा को आवाज नहीं आ रही, मैं असरा को कैसे आवाज दूं, क्या कुछ भी नहीं कर सकता मैं इस मामले में। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम लोग यार, ये अपना कितने लोगों को भाई ये यस बहुत कम आए, सारे यस लिखो, मुझे पता लगे आवाज जा रही है, क्या सिर्फ 6-7 लोगों को आवाज जा रही है, बाकी भी यस लिखो, ठीक है? वही लोग दोबारा यस नहीं लिखना, ठीक है? अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग कंटेंट मार्केटर्स क्यों हो। अभी मैं मार्केटिंग सिखाऊंगा भी सही, फिर के आर्टिकल जो अनाप शनाप लिख देते हो उसको सही से लिखना किस तरीके से, वो सारी चीज भी अभी बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहली चीज, ब्लॉगर बनना है, मार्केटिंग सीखनी है, एसईओ सीखनी है, डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स। हमको कंटेंट लिखने का तरीका नहीं, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, सब सब आएगा, सब्र करो, सब आएगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज, अब्दुल रऊफ सुन लो, ओ यार प्लीज आपस में नहीं कन्वर्जेशन, प्लीज आपस में कन्वर्जेशन अभी नहीं। अच्छा देखो, गुड रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो। अभी इसको मेरा इंट्रो भी चाहिए यार, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो ना यार। अच्छा, गुड रीडिंग हैबिट्स में क्या है हमारे पास, देखो। हाँ, अभी क्वेश्चंस प्लीज यार, अभी अभी सिर्फ सुनो, मेरा फ्लो नहीं खराब करो, फिर क्या है मैं बीच में से चीजें स्किप हो जाएंगी, आप लोगों का नुकसान होगा। अच्छा, गुड रीडिंग हैबिट्स,
अगर कोई ब्लॉगर या एसईओ रोजाना की बुनियाद पे अपने एक से दो से तीन नई अपडेट्स के आर्टिकल्स अथॉरिटी ब्लॉग से नहीं पढ़ता, वो बहुत पीछे रह जाता है. विद इन फ्यू मंथ्स वो बहुत पीछे रह जाता है. इस चीज को याद रखना, अभी से अपनी रीडिंग शुरू करो. अभी अगर आप लोगों की बिगिनिंग है या इंटरमीडिएट लेवल पे भी और आपने अपनी स्टडी नहीं कंटिन्यू रखी है, तो अभी तो आप 3 3 4 4 घंटे रोजाना पढ़ोगे. ठीक है, ब्लॉग्स टू फॉलो में मैं दो ब्लॉग्स बता रहा हूँ. मोज है, मोज का नाम सुन के यहाँ के जो है ना जितने लोकल गुरु वगैरह वो भाग जाते हैं, उनको समझ ही कुछ नहीं आता. अगर मोज पे कोई चीज लिखी हुई है और आपको वो समझ में नहीं आती है, तो आप उसको डिस्कस करो अपने लेवल के लोगों से. जैसे हमने अभी ग्रुप बनाया, उसमें डिस्कस करो, लेकिन उसको छोड़ो नहीं. अगर आपको समझ नहीं आई, देखो ये आपकी फील्ड है, आपने एसईओ से कमाना है, कंटेंट मार्केटिंग से कमाना है. मोज जो है वो मतलब आप सोचो, आप पीए डीए जो आप निकालते हो चीजों का, वो मोज असाइन करता है उनको. तो अगर उस पर कोई चीज लिखी हुई है, वो सिलेबस है आपका, आपको सिलेबस आना चाहिए. आप ये नहीं उससे भाग जाओ, जी मुझे ये समझ नहीं आता, मैंने उससे टिप्स पूछ ली है फलाने बंदे से, मैं उस पर काम करूंगा. ये बुलशिट है यार, इसको आप अपना सीरियसली लो. उसको अगर कोई चीज समझ नहीं आया, उसको उसको पर डिस्कस करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको छोड़ो नहीं. ये अपनी हैबिट बना लो. अगर ये देखो आप अपना मेरा है पंकज का, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेगुलर रीडिंग करते हैं. रीडिंग हम लोग नहीं छोड़ते. मेरी और पंकज की ही बात होती है कि जब तक रोजाना हम दिन में से 3 से 4 नई चीजें नहीं पढ़ लें, हम लोग को चैन नहीं आता. और यहाँ पर मैं देखता हूँ ब्लॉगर और मास्टर बने बैठे हैं, जैसे पता नहीं सारा गूगल उन्होंने खरीद लिया और जो है वो कोई स्टडी नहीं है, वो बहुत साल पीछे रह गए हैं. और इसकी वजह से वो अपने आगे आने वाले लोगों को भी जो है वो करते हैं. अच्छा मैं और भी ब्लॉग्स बताऊंगा, अभी स्टार्ट करने हैं. क्विक स्प्राउट से स्टार्ट करो, मोस्ट से स्टार्ट करो. ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग. अच्छा अब इसमें क्या है, कुछ लोग अभी ब्लॉग शुरू करने, रीडिंग शुरू करने का बोलूंगा, लोकल ब्लॉग्स उठा लेंगे. कोई फलाना जी वो तो बड़ा बहुत बड़ा टीचर है, वो उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो 80,000 उसके व्यूअर्स थे, तो जी उसने सही लिखा होगा. बुलशिट, बिल्कुल याद रखो, स्क्रीनशॉट्स वगैरह पे कभी बिलीव नहीं रखना किसी के भी, चाहे मैं अभी भेजूं. भाई स्क्रीनशॉट कोई मसला है यार, कोई निकालना. मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ. आपने अपना जो है वो ब्लॉग्स फॉलो करने हैं, या आपने कोई टीचर रखना है, अगर अपने आप आपको पढ़ना है, आपने उसको सही कैसे पहचानना है, अब इस चीज को भी सुनो. ठीक है, अच्छा अभी मैं इनडायरेक्ट करने वाला था, लेकिन अभी मैं मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है अपना अपने एक्स टीचर के ऊपर, उबैद भाई के ऊपर, जिन्होंने जो है वो काफी कुछ मेरे ऊपर लिखा है. अभी मैं उनकी वेबसाइट से एग्जाम्पल दूंगा. ठीक है, पहले मैंने सोचा था आई विल ट्राई टू होल्ड बैक, बट नाउ आई एम नॉट गोना डू दिस. मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल दूंगा, अच्छी बात है और समझ में आएगा. ठीक है, लोकल गुरु का बिल्कुल अली रहता, लोकल गुरु का मैं लाजमी बता रहा हूँ. अच्छा फॉर एग्जाम्पल, सारे तकरीबन यहाँ पर हाउ डिस्क्राइब के मेंबर्स हैं तकरीबन. ठीक है, हमने सिर्फ एक ही ग्रुप को अभी टारगेट किया था, हमने बोला था यहाँ से हम लोगों को अवेयरनेस निकाल के देंगे. अच्छा और बाकी ग्रुप्स में हम थे भी नहीं, मैं खुद एडमिन रहा हूँ हाउ डिस्क्राइब का. बहरहाल मेरी हिस्ट्री एक बड़ी एक अजीब सी और लंबी सी है. अब फॉर एग्जाम्पल आपने लोकल वेबसाइट उठा लीजिए, हाउ डिस्क्राइब हो भाई बड़ा गुरु है और फलाना है ढमकाना है. अब आप क्या करेंगे कि आप उसको पढ़ने से पहले उसके ब्लॉग को याद रखना. उसमें किसी भी ब्लॉग को पढ़ने से पहले, अगर कोई बंदा कह रहा है मैं एसईओ टीचर हूँ ना और मेरी ये वेबसाइट है, कुछ एसईओ टीचर्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने वेबसाइट अपनी ब्लॉगिंग पे एसईओ पे नहीं बनाई हुई होगी, उनको चेक करने का क्या तरीका है, मैं दोबारा अभी बाद में बताता हूँ. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि भाई मैं हूँ एसईओ टीचर हूँ और ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरी वेबसाइट है और मैं इस पे एसईओ सिखाता हूँ और मैं ऐसे पैसे लेके एसईओ सिखाता हूँ. आप सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाएंगे. ठीक है, ये आपने वेबसाइट खोल ली, सांस फूल गई यार मेरी, बहुत जोर लगा के बोल रहा हूँ मैं ताकि सबको आवाज आए. दूसरे आप खोलेंगे सेमरश. ठीक है, नाम सुना होगा मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने जो भी करते हैं अपना थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, जिनको सेमरश का नाम जरूरी उन्होंने सुना होगा. अब आपने क्या करना है, वैसे मैं अभी ऊपर ऊपर से भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ जिससे पता लगे, लेकिन मैं बिल्कुल एक आपको जबरदस्त किस्म की एक चीज बताता हूँ. आपने अपने जो भी गुरु आपने सेलेक्ट करना है, उसकी आपने उसको उठा के उसकी डोमेन आपने यहाँ पे डाल दी. सिंपल, नजर आ रहा है आप लोगों को, सही है, स्क्रीन नजर आ रही है. ओके ये फ्री फ्री टूल, मतलब फ्री नहीं है, इसके पेड है, लेकिन इसमें फ्री आप इतना कुछ कर सकते हो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये आपको ऑडिट निकाल के देगा. वैसे तो ऑडिट ऐसी ऑडिट और भी निकलते हैं, और भी तरीकों से निकलते हैं, लेकिन अभी आप लोग फ्री टूल से और बड़े आपको मतलब 2 सेकंड में पता लग जाएगा अभी बंदा क्या कह रहा है. ये देखो आपके ट्रैफिक कॉस्ट लिखी हुई है इस वेबसाइट की, इसकी ट्रैफिक कॉस्ट $23 है. अब अगर अगला बोलता है कि मैं हाँ जी ठीक है, तो आप अगर अगला बोलता है कि मेरे पास जो है वो 5 लाख रुपए मैं रोजाना कमाता हूँ, सारी चीजें इससे पता लग जाती है. आप इसको ज्यादा कर लें, ठीक है, $23 की ट्रैफिक है, आप इसको ज्यादा कर लें. बहरहाल अच्छा इससे भी नहीं, अब आप और नीचे आए और नीचे आइएगा आप जनाब, ये देखें
अब आप उस बंदे के कीवर्ड्स देखें, जो आपका गुरु है उसके कीवर्ड्स देखें कि वो जो आप लोगों को एसईओ सिखा रहा है उसने खुद कितना रैंक किया है, कौन से मेन कीवर्ड्स पे कौन सा रैंक किया है। आप ये देखें, इस बंदे का टॉप कीवर्ड जो है वो ब्लॉगर परमालिंक है, जिससे इसकी ट्रैफिक 100% ट्रैफिक इसकी ऑर्गेनिक यहां से आती है। और ब्लॉगर परमालिंक कोई मतलब एक बहुत ही थका हुआ कीवर्ड है, ठीक है। तो 2 साल में अगर कोई शख्स या जितने भी साल से वो कोई और अगर लगा हुआ है और ये कीवर्ड्स हैं, ये रैंक हुए हैं, रिमूव यूआरएल फ्रॉम गूगल, ओपन साइट एक्सप्लोरर, ये एक्चुअली रैंक ये हुए हैं। तो जब आप ये देखें कोई कोई ब्लॉगिंग सिखा रहा है और खुद उसके पास कीवर्ड्स 2 साल में रैंक नहीं हुए हुए, तो आप उससे सीखेंगे तो आपका भी यही हशर नशर होगा। फिर आपको भी क्या करना होगा, आपको भी फेसबुक पे एक ग्रुप बनाना होगा और उस फेसबुक से आपको ट्रैफिक लेनी होगी, यहाँ क्लिक कर लें, ये कोर्स उठा लें मेरी वेबसाइट से, या फलाना ढमकाना, उसको फौरन छोड़ दें आप इस किस्म के गुरु को। और उसकी वेबसाइट पढ़ने से मैं मना यूं कर रहा हूँ, देखें मिसकॉन्सेप्शन, मैं हर चीज प्रूफ करके आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसे बंदे की वेबसाइट पढ़ने से क्या होता है, ऐसे या ऐसे किसी भी और की, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं हम लोग सेकंड, ये बात आपको समझ में आ गई, आपने अपने गुरु को कैसे चेक करना है। अगर आप किसी से प्रैक्टिकली सीखना चाह रहे हैं ना, वैसे तो मैं बोलता हूँ भाई अपना खुद सीखो, हर चीज आपको ऑनलाइन मिलेगी, लेकिन कुछ होते हैं भाई उनको प्रैक्टिकली हाथ पकड़ के सीखना है कि भाई एक चीज, तो अपना तो आप गुरु सिलेक्ट करते हो, तो उसमें ये है कि इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। जिसका माइक ऑन हुआ है यार वो खुद बंद है भाई, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब हम पहले आ जाते हैं अब जरा वेबसाइट पे, फिर उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा। अब वेबसाइट की टाइप सुन लो भाई, ठीक है, वेबसाइट की टाइप सुन लो। वैसे तो और भी होती होंगी, मैं भी 3-4 किस्म की टाइप्स में आपको बता देता हूँ, जिन पे आप लोगों ने मतलब है। एक होती है प्रोडक्ट नीश, ठीक है, नीश बोलो या नाइश बोलो, जो भी बोलना बोलो, बेरा प्रोडक्ट नीश जो है। अब इसमें क्या है, आप एक प्रोडक्ट उठाते हो सिंपल, ऑनलाइन बहुत सारी जगह है, अमेजोन है, क्लिक बैंक है, और भी बहुत सारी जगह है, आप वहां से एक प्रोडक्ट उठाते हो। नहीं अभी आई कांट मेक यू प्रेजेंटर। अच्छा अभी मेरे भाई, शुक्रिया। देखा आपने कितना अजीब सा लगता है कैमरा ऑन करके इंसान, इसीलिए मैं कैमरा ऑन नहीं करता अपना। अच्छा, तो एक प्रोडक्ट नीश है, ठीक है, यानी आपने एक प्रोडक्ट उठा लिया। मिसाल के तौर पे वेट लॉस प्रोडक्ट आई है मार्केट में, मार्केट कैसे सर्च करनी है, वो सारी वो लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, क्लिक बैंक, अमेज़न, आपको पता है, और भी दे देंगे हम लोग, ठीक है। आपने वहां से देखा, अच्छा जी वेट लॉस करने के लिए कोई सप्लीमेंट आया, मिसाल के तौर पे कोई फराज सप्लीमेंट, आपने उस पर उठा के वेबसाइट बना ली, ठीक है। वो छोटी सी वेबसाइट होगी, थोड़ा सा वेट लॉस के इर्द गिर्द कीवर्ड्स होंगे और आपने उसको रैंक करना होगा। कीवर्ड वगैरह अभी सारे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट नीश वेबसाइट। फिर होती है नीश, यानी कि आपने किसी प्रोडक्ट पे नहीं बनाई, लेकिन आपने किसी माइक्रो मतलब माइक्रो नहीं, लेकिन आपने किसी नीश पे बनाई। मिसाल के तौर पर आपने अगर बनाई वेट लॉस पे, सही है, ओवरऑल। अब उसमें ये क्या, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वेट लॉस के हवाले से जाएंगी, वो आपने स्किन डिजीज पे बना ली, स्किन डिजीज के हवाले से जो प्रोडक्ट्स आएंगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। फिर तीसरी होती है ब्रांड। ब्रांड में क्या होता है, फिर ब्रांड बड़ी वेबसाइट होती है, मिसाल के तौर पे वो फिर सिर्फ वेट लॉस को नहीं हैंडल करेगी, वो आपका हैंडल करेगी उसको, टोटल हेल्थ को हैंडल कर लेगी मिसाल के तौर पे। अब हेल्थ के अंदर वेट लॉस भी है तो डिजीजेस भी हैं, तो फलाना ढमकाना जो भी हेल्थ में आ सकता है। अब होता क्या है, यहाँ पे ये जब टीचर्स सिखाते हैं या कोई भी, आप लोग अगर अपने ओन पे करते हो, आप लोग सीधा बनाते हो ब्रांड वेबसाइट, जिसके अंदर दुनिया जहान के आप जो है वो कीवर्ड्स लगाने की कोशिश करते हो, ठीक है। भाई जी हमने हेल्थ पे वेबसाइट बनाई है, खुदा के बंदो हेल्थ पे वेबसाइट बनाई, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम मतलब बात करने को ये है कि जी हमारे पास 2 रुपए नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो तुम कैसे हैंडल करोगे ब्रांड, ठीक है। तो ब्रांड वेबसाइट सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं लोग, पहला सबसे पहला फेल होना है, मतलब ये कि बंदा 10 साल तक फेल होता रहेगा, फिर उसके बाद बोलेगा जी एसईओ में कुछ नहीं रखा, ब्रांड वेबसाइट बना देते हैं उठा के, जी हमने हेल्थ पे बनाना है हम हर चीज। ओ भाई ऐसा नहीं होता, अपनी नीश अपने तरीके से सेलेक्ट करो यार, हेल्थ में बहुत सारी चीजें निकलती हैं। आप किस हेल्थ की बात करो, आप वेट लॉस की बात करो, आप एक्सरसाइज को देखोगे, एक्सरसाइज के अंदर भी देखो कि कौन सी किस्म की एक्सरसाइज है, ठीक है। या अगर आप बोलते हो कि डिजीज को मैंने देखना, डिजीज में भी थोड़ा तोड़ो, ऐसा नहीं है आप एकदम से जी मैं सारी दुनिया की डिजीज बता दूंगा, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते आप, ठीक है। मैं फाइनेंस पे कर रहा हूँ भाई, जो फाइनेंस पे, फाइनेंस के कितने तरीके हैं, आप उसमें से फॉरेक्स निकालो या कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग फलाना ढमकाना, एक चीज निकालो, तो अपनी नीश सही तरीके की सिलेक्ट करो भाई, या तो प्रोडक्ट पे आ जाओ या फिर नीश पे आ जाओ, ब्रांड पे नहीं जाना जब तक कि जेब में 10-15 लाख रुपए ना हो। समझ में आ गई ये बात, ये बिल्कुल बकवास है ये, जी न्यूबीज का क्या होगा, न्यूबीज को हमने सिखाना है तो न्यूबीज करेंगे कोई, और क्लियर करना उन्हें प्रॉब्लम का। अबे कौन बोल रहा है ये, एक सेकंड, ऑडियंस व्यू अटेंडीज,
अब्दुल रऊफ, ये अब्दुल रऊफ ने बहुत तंग किया हुआ भाई। अच्छा जनाब, मैं सबको जरा खुद ही बैन बैन किया, ब्लॉक कर दूं यार, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, मैं टाइम नहीं जाया करना चाह रहा इसलिए मैं लगा हूं। अच्छा ये समझ में आ गया कि आप लोग क्या गलती करते हो, ब्रांड वेबसाइट बना के, समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च पे, दूसरी गलती कीवर्ड रिसर्च। वैसे तो ये ब्रांड वाली जो मैंने टाइप ऑफ वेबसाइट बताई है उसी से जुड़ी हुई गलती है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च में आप क्या गलती करते हैं? सबसे पहली गलती तो ये होती है हाई कंपटीशन कीवर्ड उठा लेते हैं। ओ भाई, 60,000 सर्चेज हैं किसी कीवर्ड की, वो उठा लिया और उसका कंपटीशन जो है वो। अच्छा, कंपटीशन चेक कैसे करते हैं ये, अब मेरे आप लोगों की मासूमियत कह लें, या फिर क्योंकि मुझे भी मेरे टीचर, जो आप लोग तो खैर जानते हैं मेरे टीचर कौन थे जो आज मुझे गालियां दे रहे हैं, तो ये आप मतलब ये देखें, कंपटीशन चेक करना कहाँ से दिखाते हैं? मैं एनालिटिक्स से कंपटीशन चेक करना दिखाते हैं, सिखाते हैं कीवर्ड का। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अल्लाह इन लोगों के हालों पे रहम करें। मेरा पासवर्ड क्या था पता नहीं, एनालिटिक्स पे कहाँ चला गया मैं, एडवर्ड्स पे जाना था। यार यूजर तो अभी तक आ रहे हैं, क्या सीन है? ये मेरी वेबसाइट, ये मेरी पहली वेबसाइट थी, सबको दिखा देता हूँ, नाकाम हो गई वेबसाइट। ये मैंने बनाई थी, अब नाम ले ही लेता हूँ मैं, मतलब ये कि उबैद भाई से मैंने जब कोर्स किया था, पेड 45,000 रुपये दिए थे एडवांस, तो मैंने उनसे और तकरीबन 7-8 महीने तक मैं उनके अंडर में ये वेबसाइट बनाता रहा हूँ। मैं आपको ये वेबसाइट भी दिखाता हूँ ताकि इसमें से आप लोगों को गलतियां भी नजर आ जाएं। अब छोड़ दिया मैंने इस पे काम करना, इसलिए दिखा रहा हूँ बड़े मजे से। ये वेबसाइट है, ये मैंने गुरु के अंडर में बनाई है, गाइडेंस में, बिल्कुल कोर्स के अंदर। ये देख रहे हैं आप, बेकिंग रेसिपीज मैंने टारगेट किया हुआ है, मेरा एक टारगेट कीवर्ड माशाल्लाह से ये है। इसकी ये शक्ल नहीं थी, ये शक्ल तो मैंने खुद बाद में निकाली है, पहले बहुत इसकी तो शक्ल भी बहुत बुरी थी। मैक्सिकन रेसिपीज, डिजर्ट्स रेसिपीज, आप हरकतें देख रहे हैं मेरी। अब इसमें बहरहाल मेरी गलती नहीं है, ये मुझे जो गाइडेंस मिली मैंने उससे किया। ये इतने बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं और मैं इसको बगैर किसी रिसोर्स के रैंक कर रहा था माशाल्लाह से ना। और इसमें फिर अभी मैं आप लोगों को और गलतियां कुछ दिखाऊंगा कि जो आप लोगों कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, अगर क्योंकि इसमें ज्यादातर अभी मेरे पास लोग हैं वो ज्यादातर हाउ डिस्क्राइब से पढ़ के माशाल्लाह से करने वाले जो हैं, वो मैं उनको बताऊंगा कि वो क्यों रैंक नहीं हो रहे। अच्छा जनाब, इधर आ जाते हैं, बेकिंग रेसिपीज, अपना वाला ही कीवर्ड उठा लिया जी। अच्छा जी, अब क्या बताएंगे, मिसकॉन्सेप्शन क्या है? ये जी आपका कीवर्ड है, ये इसकी मंथली सर्चेज है। ओहो वाह भाई वाह, 40,000 सर्चेज, कंपटीशन लो है, यानी इस कीवर्ड को रैंक करना आसान होगा। बुलशिट, ये कंपटीशन वो कंपटीशन नहीं है, ये कीवर्ड कंपटीशन नहीं है। ये कीवर्ड को रैंक करने वाला कंपटीशन नहीं है, अब इस चीज को ध्यान से सुन लो बड़े, ये कंपटीशन कुछ और है। अभी यानी अगर आप एडवर्ड्स कैंपेन चलाते हो, उस एडवर्ड्स कैंपेन में आपको जगह मिल, अभी एडवर्ड्स क्या है वो भी समझा देता हूँ मैं, भाई लंबा लेक्चर होने वाला है, जरा सिट टाइट और मतलब सुकून से बैठ के सुनो सारी चीजें। एडवर्ड्स क्या है, एडवर्ड्स भी एक कैंपेन है, मतलब ये है कि अगर मैं, मुझे एसईओ मिसाल के तौर पे नहीं आती है, मुझे अपनी एसईओ के लिए बूस्ट चाहिए, ठीक है, या मुझे कोई प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे कोई अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, और मैंने एक कीवर्ड उठाया, मुझे उस कीवर्ड पे एसईओ नहीं करनी या मैं नहीं कर सकता, कोई भी वजह हो सकती है, मैंने उसकी एडवर्ड कैंपेन चला दी, ठीक है, मैंने उसकी एडवर्ड कैंपेन चलाई है। अब क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे कीवर्ड है फॉरेक्स, फॉरेक्स बहुत बड़ा कीवर्ड है, सिर्फ फॉरेक्स लिख के देखता हूँ या फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा लिख के देखता हूँ, ये देख रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में एड्स देख रहे हो यहां पर कितने सारे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एड्स देख रहे हो कितने सारे, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एड्स देख रहे हो ये, यानी कि अगर मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग पे
पे पैसे लगाने हैं थ्रू एडवर्ड्स, तो मुझे इस कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, यानी मुझे जगह मिलती भी है गूगल में या नहीं मिलती, या कब मिलती है, या कहाँ किस जगह मिलती है, यहाँ नीचे मिलती है ऊपर मिलती है, ये कंपटीशन बता रहा है, ये वाला एडवर्ड्स का कंपटीशन, ये वाला कंपटीशन बता रहा है, रैंकिंग का थोड़ी बता रहा है, ये रैंकिंग का थोड़ी बता रहा है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अब बेकिंग रेसिपीज कोई कंपटीशन ही नहीं है, जब भी तो वो कह रहे हैं लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रैंक करना लो है, रैंक करने का कंपटीशन किसी और तरीके से निकाला जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा। ये सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, ये गुरु सिखा रहे हैं 50-50 हज़ार रुपए में कोर्स कराने वाले और अपने आप को पता नहीं क्या बताने वाले, वो इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैंने मुझे जो सिखाया मैंने साथ निकाले, मतलब उनके के भाई ये सारे कीवर्ड्स निकाले और मैंने इनको बनाया, और ये वेबसाइट 8 महीने इसके ऊपर एक बंदा नहीं आया, 8 महीने। अच्छा जी, तो अभी आपको समझ में आया ये कि ये कंपटीशन वो कंपटीशन नहीं है, एडवर्ड्स का कंपटीशन है। अब हम जाते हैं किसी और अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मतलब यानी इसके उसके ऊपर। अब कीवर्ड्स क्या है, अब कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे, अब बात इसके ऊपर आ जाते हैं। कीवर्ड रिसर्च आपने जनाब यूं करनी है कि अब आप इस चीज को समझेंगे कीवर्ड की ना किस्में होती हैं। किस्मों के मैं नाम तो बताने के बजाय मैं आपको नाम से ज्यादा मैं आपको जरूरी चीज बताता हूँ। देखें मिसाल के तौर पर कीवर्ड की किस्म देखें, अब आप अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेकिंग रेसिपीज, बेकिंग रेसिपीज गूगल में, गूगल में फैजान थोड़ी देर में आ जाएगी या तो फिर आपकी, गूगल में अगर कोई विजिटर बेकिंग रेसिपीज लिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ खरीदने के मूड में है, नहीं है, वो ऑनलाइन कुछ खरीदने के मूड में नहीं है, उसने बेकिंग रेसिपीज लिखा है, उसको रेसिपी से मतलब है, समझ में आ रही है बात, उसको बेकिंग उसको रेसिपी देखनी है, वो अपना बना लेगा, तो ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड की बायर इंटेंट नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग बायर इंटेंट, इस कीवर्ड के पीछे बायर इंटेंट नहीं है, मतलब ये कीवर्ड गूगल में डालने वाला बंदा कुछ नहीं खरीदेगा, उसका खरीदने का मूड नहीं है, लेकिन अगर वो लिखता है बाय कुक बुक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो ये बायर कीवर्ड है, समझ में आई, बायर इंटेंट है इसके पीछे, ये मैंने एग्जांपल दिया अभी, ठीक है, यानी वो बंदा खरीदेगा। देखो इसीलिए अमेजोन का लिंक सबसे ऊपर आ रहा है कि वो खरीदेगा कुछ। अच्छा जी, तो अब करना क्या होता है, हम लोगों ने बायर इंटेंट वाले कीवर्ड्स निकालने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं सिर्फ पिज्जा, अभी मैंने पिज्जा लिखा है अगर खाली, तो इसका मतलब इसमें बायर इंटेंट नहीं है, पिज्जा के बारे में वो पता नहीं क्या यूजर क्या देखना चाह रहा है, पिज्जा का तारीख पढ़ना चाह रहा है पिज्जा की, या पिज्जा के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहा है, या कुछ भी चाह रहा है, तो इसकी ये कीवर्ड में बायर इंटेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ पिज्जा इन शिकागो, या शिकागो का, अब देखो एड्स आ गए, नजर आ रहे हैं एड्स, यानी कि बायर इंटेंट है, जब भी तो लोगों ने इस कीवर्ड पे पैसे लगाए हैं, यानी ये कीवर्ड काम का है। अब क्या है, जब आप फजूल किस्म के कीवर्ड्स पे जब आप रैंक करते हो, यानी सिर्फ आप पिज्जा पे रैंक कर गए, मैं पिज्जा पे रैंक कर गया, अब क्या होगा, पिज्जा पे रैंक करने से आपके पास जो ट्रैफिक आएगा वो सारा कौन सा होगा, नॉन यूजफुल ट्रैफिक होगा, वो सिर्फ एडसेंस की चवन्नी ही दे सकता है आपको, क्या एडसेंस वाले ने क्लिक कर दिया तो फलाना हो गया, वो आपको यही दे सकता है। तो जब आप इस तरीके के कीवर्ड्स पे अपनी जिंदगी जाया करते हो तो आपको फिर उतने ही पैसे मिलते हैं, समझ में आई। तो ये होता है बायर इंटेंट वाला कीवर्ड और फालतू कीवर्ड, वैसे ये इनकी मैंने क्या कहते हैं ये लिखी है, आप उसको नोट कर सकते हैं, मैं बाद में भी सेंड कर दूंगा। तो ये होता है कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है, कमर्शियल कीवर्ड होता है बिकने वाला, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में ज्यादा बिक्री होती है, मतलब इसका ये है कि आप इसको यूं कर लो कि बाय पिज्जा इन शिकागो, या वेयर डू आई गेट अ गुड पिज्जा इन शिकागो, फलाना ढमकाना, ये जो भी है, ठीक है, तो ये आपका ट्रांजेक्शनल में और वैल्यू बढ़ जाती है इसकी। फिर उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल का क्या है, जैसे हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, फलाना ढमकाना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि अल्लाह भला करे आपका अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, इनके अंदर भी बायर इंटेंट नहीं होगी, ठीक है, इनके अंदर भी बायर इंटेंट नहीं होगी। और फिर आते हैं नेविगेशनल, वो तो बिल्कुल मतलब ये कि ब्रांड आ जाती है, मतलब कोई ब्रांड का नाम लिख के सर्च कर रहा है, जैसे अभी ब्रांड बन गई है कोई स्प्राउट है फलाना ढमकाना, इस तरीके की जो ब्रांड्स हैं वो होती। अच्छा जी, अभी कीवर्ड रिसर्च आ गई, कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड और कीवर्ड की टाइप्स पर समझ में आ गई, कॉम्पिटिशन समझ में आ गया कि जो एडवर्ड्स में देखते हो वो कॉम्पिटिशन नहीं होता, ये बातें क्लियर हो गई, बता दो जी मुझे यस करके।
अच्छा जी, चलो जी, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर पहले तो, या पहले मिसकॉन्सेप्शंस पे नहीं आते, पहले हम कीवर्ड रिसर्च टूल्स पे आ जाते हैं। कंपटीशन टूल्स, ये टूल्स हैं, ये अपने पास आप लोग लिख भी सकते हो, और मैं इसको जो है वो आपको ऐसे भी सेंड कर दूंगा। पंकज, एक वक्त में एक ही बंदा प्रेजेंटर बन रहा है, तो जब उसको तैमूर को बुलाना होगा तो मैं उसको प्रेजेंटर बना दूंगा, वो एक वक्त में एक ही बन रहा है। ठीक है, अभी नहीं सेंड कर रहा दानिश, मैं सेंड कर दूंगा लेकिन इसके बाद ना, और टेंशन नहीं लो। ठीक है, अभी अभी आप लोग खाली देख लो, ये कुछ फ्री फ्री तो नहीं है, सबके प्रीमियम वर्जन होते हैं, लेकिन ये दिन में आपको दो तीन दे देते हैं ट्राइज। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बहुत इसको चला सकते हो। अब आप ये देखो कीवर्ड ट्रैकर, ये थोड़ा बस मुझे इतना नहीं है उसका वो लगता प्रिसाइज इतना। कीवर्ड रिवीलर, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ आपके सामने। हाँ यार, रिकॉर्डिंग चल रही है, अब पता नहीं रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहरहाल रिकॉर्डिंग चल रही है। कीवर्ड रिवीलर अच्छा टूल है। ठीक है, इससे आपको कीवर्ड कंपटीशन भी समझ में आ जाता है। ठीक है, इससे आपको कीवर्ड कंपटीशन भी पता लग जाएगा, फ्री में आपको कुछ दो चार ट्राइज देता है। ठीक है, इस पे अकाउंट मैंने अभी मोजिला खोला हुआ है, ये मेरा काम करने वाला पीसी नहीं है, इसके अंदर मेरी आईडीज वगैरह नहीं डली हुई, ये इसमें मैंने अभी पुरानी आईडी से एक लॉग इन हुआ हूँ एक। ठीक है, ये आप इसको कीवर्ड रिवीलर को यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास कीवर्ड फाइंडर भी है। एक मिनट रुको यार, मैं इसको अगर लॉग इन कर देता ना, ये कीवर्ड रिवीलर आपको पूरा वो देगा कंपटीशन। ठीक है, कीवर्ड रिवीलर आपको पूरा कंपटीशन बताएगा, निकाल के बताएगा, तो आप अपना कंपटीशन, लोएस्ट कंपटीशन वाले कीवर्ड्स उठाएंगे अभी। ठीक है, उस यहां से कंपटीशन देखना, एडवर्ड्स से नहीं देखना, यहां से आप लोएस्ट कंपटीशन जो आपको मिले, जिसकी मुनासिब सर्चेज हो और जिसके पीछे बायर इंटेंट हो, ये फजूल के कीवर्ड्स नहीं उठाना कुत्ते बिल्ली वाले। ठीक है, अच्छा, या इस तरीके से आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च को आगे लेके चलना है। बेसिक कीवर्ड रिसर्च पे मैं अभी इतना नहीं बता रहा, और ये मेरा अच्छा बेसिक कीवर्ड रिसर्च भाई, थोड़ा प्रैक्टिस कर दे ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी प्लीज यार, मैं आपको बाद में बुक्स सेंड कर देंगे। ठीक है यार, प्रैक्टिकल का टाइम देखो, मैं पूरा ओवरव्यू ले रहा हूँ ताकि मैं ए टू जेड समझा सकूं, प्रैक्टिकल में बहुत देर लग जाएगी ना। तो अभी ये आप खोलोगे इन वेबसाइट्स को, मैं भेज दूंगा इनको, खोलोगे कोई कीवर्ड, चलो मैं एक आध आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे लॉग इन करना पड़ेगा ना, एक तो ये भी बीच में आ रहा है, इसको मैं जरा कोलैप्स कर दूं। ये देखो, देख लो भाई, कीवर्ड टूल आ गया। ठीक है, इस पे डाल देते हैं हम, इस पे मिसाल वही बेकिंग रेसिपीज ही डाल देते हैं मिसाल के तौर पे। सबमिट कर दिया आपने, ये देखें जनाब, या ये कीवर्ड्स भी आ गए ना, और इसका जो है वो आपके पास एडवर्ड्स का सीपीसी जो मैंने बताया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जीरो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है जी एस्टिमेटेड प्रॉफिट जीरो, इसको रैंक करने का यानी कि इस पे बायर इंटेंट नहीं है ना, इस वजह से हमारे पास इसका प्रॉफिट आ रहा है जीरो। अच्छा, कीवर्ड डिफिकल्टी अभी देखता हूँ, हम कीवर्ड डिफिकल्टी को एवेल्युएट पे क्लिक किया आपने, उसने आपको बता दिया 46, 46 कीवर्ड, बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा है। समझ में आई एडवर्ड्स में क्या लिखा हुआ रहा था, लो वो कुछ और डिफिकल्टी थी, मैंने आपको बता दिया अब कि वो कोई और सा कंपटीशन था, असल में इस कीवर्ड की डिफिकल्टी इतनी है। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं हम लोग कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, यहां पर हो गए, अब क्या है, आप कीवर्ड्स को यूज किस तरीके से, एक मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर कर दूं, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर, एक हाउ डिस्क्राइब के आर्टिकल की वजह से बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन फैला, और मुझे भी इसी तरीके से सिखाया गया, और इसने बड़ी तबाही बर्बादी मचा दी।
मिसकॉन्सेप्शन क्या था इसमें, आर्टिकल था प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स वाला, ठीक है। उसमें प्राइमरी कीवर्ड किस तरीके से रखने का बोला गया जनाब, हमें बताया गया कि अगर आपको कोई प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड माने जिसके ऊपर सर्चेज हो, जैसे ये बेकिंग रेसिपीज, अगर आपकी ये बेकिंग रेसिपीज है आपका कीवर्ड, अब आप क्या करें, आप हर पोस्ट में बेकिंग रेसिपीज लिखेंगे और इसके बाद कोई सेकेंडरी कीवर्ड उठाएंगे, यानी कि बेकिंग रेसिपीज में हाउ टू मेक अ केक एट होम। जब आप ऐसे कोई 500 आर्टिकल लिख देंगे या कुछ लिख देंगे तो आपका बेकिंग रेसिपीज कीवर्ड रैंक हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट इन द एसईओ हिस्ट्री, एसईओ की तारीख में इससे बड़ी बुलशिट कोई नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस नंबर वन, जब आप एक ही कीवर्ड के ऊपर बार बार इस तरीके से आर्टिकल लिखते हो, आपके अपने पेजेस के अंदर ही कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, खुद ही कीवर्ड डायल्यूट हो जाता है आपका, आप कभी रैंक नहीं करते। ये तरीका नहीं होता कीवर्ड रैंक करने का। कीवर्ड रैंक करना है छोटे कीवर्ड उठाओ, एक ही आर्टिकल बनता है उन पे बड़ा लंबा चौड़ा, एक बार में एक ही एक कीवर्ड पे आप एक ही आर्टिकल इस तरीके से बना, ऐसा नहीं कि आप उसको ही बार बार यूज करते रहोगे। इसकी एग्जाम्पल लाइव ले सकते हो आप लोग, मेरी वेबसाइट तो छोड़ ही दो, मेरी वेबसाइट जो मेरी थी उसको तो छोड़ दो, आप ये देख लो हाउ डिस्क्राइब के ऊपर इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहीं से मिसअंडरस्टैंड किया, किसी अथॉरिटी ब्लॉग से पढ़ा होगा, उसको मिसअंडरस्टैंड किया, उसको सिखाने लग गए, उसको ना सिर्फ सिखाने लग गए उसको खुद भी इम्प्लीमेंट किया। ब्लॉगर गाइड, जी ब्लॉगर गाइड के ऊपर 31 आर्टिकल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी 31 बार उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड का जो वो मतलब अपना निकाल के लाए थे या जो अपना मिसअंडरस्टैंड किया उसके ऊपर 31 आर्टिकल उस तरीके से लिखे। तो यानी आप मुझे बताओ 31 आर्टिकल लिख लिए अगर, तो ब्लॉगर गाइड जब आप गूगल में लिखते हो, ब्लॉगर गाइड किधर है सर्प में मुझे बताना जरा, किधर है हाउ डिस्क्राइब, किधर है, किधर है हाउ डिस्क्राइब, किधर है, किधर है, किधर है, पहले पेज में नहीं है, खत्म हो गई बात। वैसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे में भी जाओगे तो नहीं मिलेगा हाउ डिस्क्राइब। क्यों नहीं रैंक हुआ, क्योंकि ये तरीकाकार नहीं है रैंक करने का। प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड वाली मिसकॉन्सेप्शन अपनी ठीक कर लो, जो ये करेगा वो इसी तरीके से उसका कोई कीवर्ड रैंक नहीं होगा। इस तरीके रैंक कर, एक ही आर्टिकल बनता है, एक ही बनता है भाई, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे दूसरे बना सकते हो आप, लेकिन इसको बार बार नहीं यूज करो, ठीक है। अच्छा जी ubaidsheikh.com का क्या सीन है, बिल्कुल थकी हुई वेबसाइट, बिल्कुल थकी हुई, यूज पिटा हुआ, वो ग्रीन हेड वर्ल्ड है, पता नहीं कौन सी है वेबसाइट है, उसके उसके पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, यूडेमी के फ्री कोर्सेज उठा के वेबसाइट पे डाले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उनसे क्लिक्स लिए जाते हैं ग्रुप्स पे से। आप इसका ऐप अलेक्सा चेक किया करो ना, अलेक्सा में वेब का ट्रैफिक मिल जाता है आपको वैसे भी। आप सेमरस चेक करो, कोई कीवर्ड ही नहीं रैंक हुआ हुआ जिस वेबसाइट पे, वो कैसी वेबसाइट है, वो किसी एसईओ की वेबसाइट नहीं हो सकती। आप सेमरस पे जाके आप उसका ubaidsheikh.com के कीवर्ड चेक कर लो, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं। इसकी तो ट्रैफिक कॉस्ट, उसकी तो हाउ डिस्क्राइब की तो फिर भी कुछ थी, क्योंकि उसमें कुछ कीवर्ड्स एसईओ वगैरह के यूज हो रहे थे। मैं 5 लाख के कोर्सेज दे रहा हूँ भाई, वो यूडेमी पे कोर्सेज एक्सपायर हो जाते हैं या वो फ्री कर देते हैं जब लोग बनाकर, तो वो बहरहाल अभी मेरा टॉपिक उसके ऊपर इतना नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन जितनी है मैं वो सारी क्लियर करूंगा आज, ठीक है। ये देख लो आप, ये ट्रैफिक की कॉस्ट है, ये कीवर्ड्स इसके अंदर है ही नहीं, पता नहीं मतलब 163 कीवर्ड्स यूज किए हुए, लेकिन इसमें से कोई भी आपका जो है वो अच्छा, ये कीवर्ड ये रैंक हो रहे हैं, सिक आईडीएमबी, लिंक कर्मा और डब्ल्यूडब्ल्यू राजा, ये कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। तो ये कोई वेबसाइट नहीं है भाई, इसका फेसबुक से आ रहा है सब कुछ। आप अलेक्जा खोलो, मैं आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ, अलेक्जा देखो, और इसका जो गूगल ट्रैफिक है वो भी सारा फेसबुक से होके जा रहा होता है, मतलब आप जो लोग डायरेक्ट उसको खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी कोई वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनती है यार, आपने अगर एक वेबसाइट बनानी है, मैंने जिस तरीके से ये पूरी कुकिंग पे बना दी है, मुझे चाहिए था, मैं एक एग्जांपल से लेके आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बेकिंग रेसिपीज के ऊपर ही बनाता ना, उसी के अंदर इतनी सारी चीजें होती है, फ्री बेकिंग रेसिपीज, तो ईजी बेकिंग रेसिपीज, तो फलाना मंगाना, तो जाके मैं बेकिंग रेसिपीज पे रैंक होता, ठीक है। और इसके अगर मैं कीवर्ड इस तरीके से नहीं यूज करता जिस तरीके से सिखाया है यहाँ पर हाउ डिस्क्राइब पर, कॉपी ब्लॉगर वो पंकज मैं साइलो स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, उसमें दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी,
ये बात क्लियर हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स किस तरीके से आपने, इस तरीके से नहीं यूज करने भाई सेकेंडरी कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स आप अभी इस चीज को फिलहाल रहने दो, आप सिर्फ अपने लॉन्ग टेल निकालो कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए आप ये सारी चीज यूज कर सकते हो, ये जो मैंने आप अभी सॉफ्टवेयर बताए मैं और भी बता दूंगा उनको फ्री वर्जन भी, ठीक है। अच्छा जी, अभी यार मेरा तो अभी से सांस फूलने लग गया है, बहुत बड़ा लेक्चर रहता है, बहुत जोर लगा लगा के बोल रहा हूँ, शुक्रिया जनाब जो मुझे सलूट कर रहे हैं, मैं भी आपको सलूट करता हूँ। अच्छा जनाब, और मैं अब बात करते, अब देखो क्या है, अब आप इसके ऊपर आ जाओ, जब आप एक वेबसाइट सर नहीं बोलो भाई मुझे, सर वाली गेम मुझे बहुत, मैं ऐसी चीज को खत्म करने के लिए आया यहाँ पे, कोई जो सर बन जाते हैं ना वो फिर किसी की सुनते हैं, वो ना फिर किसी की सुनते हैं ना वो आगे बढ़ता है, और वो दूसरों को भी, दूसरों के कैरियर भी इसी तरह खराब करता है फिर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या है, जब आप, अब मैंने बोला कि आप अपनी अपनी मतलब एक वेबसाइट आप जब बनाओगे उसकी एक एक प्रॉपर नीश यूज करोगे और थोड़ी हल्की नीश यूज करोगे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप नए हो तो। अच्छा तो उसमें कोशिश ये करो कि उसके अंदर कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट करो जिसमें आपको एक्सपर्टीज है, मैं तो यही कहूंगा कि जिसमें आपको कुछ ना कुछ, वरना फिर क्या है कि आप ऐसा नहीं कि आप दूसरी चीज पे भी कर सकते हो लेकिन फिर उसमें आपको रिसर्च बहुत कंटिन्यूस ज्यादा करनी पड़ेगी और आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिखने, अभी कैसे लिखना है और कितना लिखना है वही भी मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अपना वो यूज करो जो आपको वो करे। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, जब आगे जाके आप स्टक हो जाते हो, जाहिर सी बात है आप हर हफ्ते 4-5 आर्टिकल तो लिखोगे ना कम से कम अपनी वेबसाइट के लिए, फिर आप सोचोगे यार मैं कीवर्ड्स कहाँ से लाऊं फलाना ढमकाना, भाई वो कुछ अच्छे कीवर्ड्स चाहिए कुछ, तो फिर ये कीवर्ड आइडियाज हैं, देखो मैंने लिखा है एक्सपेंडेड कीवर्ड आइडियाज, कोरा.com है, रेडिट.com है, एक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपना कीवर्ड इसके ऊपर डालोगे, आपको पता है रेडिट तो आप सबने तकरीबन यूज किया हुआ ही होगा, पता हुआ कुछ ना कुछ तो रेडिट का पता ही होगा, तो रेडिट के ऊपर अपने कीवर्ड डालो, उसमें जो डिस्कशंस निकलेंगी उससे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स नए नए मिल जाएंगे, आप अपना काम चलाते रहो उसके ऊपर लिखते रहो, ठीक है। और एक मुझे ये बहुत अच्छा लग, ये ट्रेंड्स को रिलेट भी है, इसको थोड़ा सा यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैंने ये लिख दिया है। अच्छा सोविल.com ये मुझे बहुत पसंद है, ये इतना प्यारा काम करती है आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। अच्छा जनाब देखो मैंने लिखा बेकिंग रेसिपीज, ठीक है मैंने बेकिंग रेसिपीज लिखा, अब ये मुझे सारे सर्च इंजन से एक साथ बता रहा है, ये विकिपीडिया, answers.com, ठीक है, और ये बिंग है, ये यूट्यूब के कीवर्ड्स बता रहा है, ये याहू के बता रहा है, अमेजोन के बता रहा है, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जो बायर इंटेंट होता है वो अमेजोन के कीवर्ड्स का होता है, बिकॉज अमेजोन जो है वो है ही से मतलब ऑनलाइन शॉप वगैरह का वो है, तो सबसे ज्यादा बायर इंटेंट इनका होता है, जैसे इजी बेकिंग रेसिपीज और फलाना ढमकाना जो भी है, ठीक है। बायर इंटेंट का समझ में आ गया, और बायर इंटेंट समझने का मैं आसान तरीका बता दूं, अगर आपको नहीं समझ में, लिखने से खुद से समझ में नहीं आ रहा कि इस कीवर्ड के पीछे बायर इंटेंट है या नहीं, तो आप उसको गूगल पे लिखो, उसके साथ में एड्स देख लो, मतलब ब्लॉगर गाइड लिखा हुआ है, अभी कोई एड्स नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई बायर इंटेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं डॉग कॉलर कॉलर्स, ठीक है, या डॉग कॉलर, अभी इसके भी, इसके ऊपर भी ऐड नहीं आ रहे क्योंकि अभी लोकेशन का भी मसला होता है, कराची पाकिस्तान, पाकिस्तान पे का भी मसला होता है, इसको मैं कहीं और का कर देता हूँ यार, शिकागो ही ध्यान में आ रहा है, सब ध्यान में आ रहा घूम के, अब एड्स आ गए, इसका मतलब दिस कीवर्ड हैज बायर इंटेंट इन इट, तो जब एड्स नजर आए तो हाँ भाई अब इसी को रैंक करना है, समझ रहे हो, अगर एफिलिएट पे काम कर रहे हो या अगर जो है वो अच्छे लेवल, अच्छा अगर आपने इस तरीके के कीवर्ड्स रैंक किए हुए ना तो एडसेंस पे भी फायदा होगा, फिर एडसेंस आपको पर क्लिक ज्यादा पैसे देगा, ये चीज समझ में अगर अभी आए तो मुझे बताना, मैं अभी इसको थोड़ा सा खोल के बताता हूँ। देखो अगर आपके, आपने अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक हुए हो तो गूगल एडसेंस आपको, आपके पास जो एड्स लगाएगा उनकी पे ज्यादा होगी, मतलब वो दूसरों को ज्यादा चार्ज कर रहा होगा और फिर वो आपको भी पर क्लिक ज्यादा पैसे देगा, लोग कहते हैं जी हमारा तो पर क्लिक पैसे ही नहीं मिलते, 17-17 हज़ार जो है वो, ठीक है हाँ सही है, थैंक यू पंकज। अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि लोग कहते हैं जी 17-17 हज़ार जी हमारे विजिटर आ रहे हैं तो हमें पर क्लिक भी हो रहे हैं और पैसे नहीं मिल रहे, तो भाई आपके पास कोई कीवर्ड ही नहीं है बायर इंटेंट वाला, एडसेंस आपको क्यों बिला वजह ज्यादा पैसे देगा, समझ में आई, ये पूरी मार्केट है ना, ये एक मार्केटिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कीवर्ड्स हैं अच्छे कीवर्ड्स बायर इंटेंट वाले, अगर आपने रैंक किए हैं तो अगर आप एडसेंस भी लगाते हो तो आपको थोड़े विजिटर में भी बहुत फायदा होगा, वैसे तो आप लगाओगे नहीं क्योंकि आप जब अगर आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता है यार मुझे ज्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे, फिर आप एफिलिएट्स पे ही काम करोगे, ठीक है। चलो जी अब ये बात भी समझ में आ गई कि किस तरीके से आपने एडसेंस पे ज्यादा पैसे ले सकते हो या एडसेंस से कम पैसे क्यों मिला करते हैं लोगों को। और यार लिंक कर्मे को छोड़ो यार, अभी रेडिट को बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, लिंक कर्मा को छोड़ो, ट्रैफिक लेने के लिए कर रहे हो उसको,
मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक बहुत थोड़ा चाहिए। अब इसकी एग्जांपल लो ना यार, अगर मिसाल के तौर पे मैं डॉग कॉलर बेच रहा हूँ, ठीक है, अपने मैंने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, तो अगर अब अभी मेरे वेबसाइट पे मैं मुझे क्यों चाहिए 7 लाख लोग यार, 17 हजार लोग मुझे क्यों चाहिए अपनी वेबसाइट पे, जो किसी काम के नहीं, जिनका एक क्लिक मुझे 4 आने मिलते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ वही दो, मुझे वही सिर्फ 1000 बंदा दो, जिसमें से 10 बंदा अगर कॉलर खरीद ले, मेरे तो हजारों, मतलब कितना कमीशन बन गया मेरा। अगर सिर्फ 1000 बंदे पे अगर 10 बंदा भी मेरा खरीद लेते, तो मेरा तो सैकड़ों डॉलर में कमीशन बन गया। और ये पूरा महीना एडसेंस की क्लिक है और हजारों विजिटर आ रहे हैं, तो सर्वर उड़ रहे हैं लोगों के, और पैसे कुछ भी नहीं बन रहे। अब समझ में आई क्यों पंकज आगे बोलता था सबको एफिलिएट मार्केटिंग का, या टारगेटेड ऑडियंस का, या कुछ, ये सारी चीज क्लियर हुई अब? कांगे चैट कांगे। हाँ जी, अब आ जाते हैं। देखो अभी सब कुछ सुनते जाओ और डाइजेस्ट करते जाओ, देखो प्रैक्टिकली फिर वो हम देखेंगे उसका क्या क्या सीन बनाना है, गाइड्स वगैरह शेयर करते रहेंगे। अभी ओवरव्यू सारा लेते जाओ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओ अपने। सबसे बड़ी चीज कॉन्सेप्ट्स है, जब कॉन्सेप्ट्स होंगे तो सब चीज कर लोगे। अब आ जाते हैं जी मेजर ऑन पेज फैक्टर्स की तरफ। मेजर ऑन पेज ये मैंने बता दिया ना अपना सीक्रेट टूल। हाँ ठीक है, अच्छा सोवेल भाई, इसको यूज करने में बड़ा मजा आता है भाई, इसको यूज करो बड़ा मजा आएगा। अच्छा मेजर ऑन पेज फैक्टर्स क्या है? अच्छा हम लोग बता रहे हैं सारा, पंकज ने मुझे बताया, ठीक है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग आगे भी बताएंगे। इसमें क्या है यार, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इसमें जो जाहिल आदमी ये समझता है कि मैं कोई टिप रख लूंगा, या मैं कोई सीक्रेट अगर मुझे कोई पता लग गया नेट से, मैं उसको अपनी जेब में डाल लूंगा लेके, तो और मैं वरना खत्म हो जाएंगे पैसे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इस पे दुनिया कमा, आप वो ट्रिप अपने आप 10 लोगों को देने से रोक लोगे, लेकिन हजारों लोगों को ऑलरेडी वो चीज पता होगी और उस पर कमा रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को बता दोगे तो यार वो पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे भाई, और भी लोग कमा लेंगे, और वो सही कमा लेंगे। तो इस चीज को जो है आप लोग उसमें कभी भी ये नहीं समझा, ऑनलाइन फील्ड बहुत बड़ी है। आपको, आप क्या समझते हो, आपको भी तो टिप कहीं नेट से ही मिलती है, इधर उधर से मिलती है, या किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होता है तो मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छुपा के बैठ जाओ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से, हमने जो ग्रुप बनाया वो इसीलिए बनाया है जिसमें जिसमें सही मेंटेलिटी के लोग हों, ठीक है, सही मेंटेलिटी के लोग हों, शेयर करें चीजों को। अच्छा अब आ जाते हैं मेजर ऑन पेज फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। मेजर ऑन पेज फैक्टर्स में मैं अभी उस वाले ऑन पेज पे नहीं, वो टाइटल टेक्स्ट। अच्छा ऑन पेज टाइटल, ऑन पेज में अभी टाइटल टैग्स वगैरह का मैं वो वाला जो इतना बेसिक चीज है मैं उसको नहीं टच करना चाह रहा, ठीक है, मैं उसको नहीं टच करना चाह रहा अभी। मैं आ जाता हूँ थोड़ा हेडलाइंस की तरफ आ जाता हूँ। टाइटल टैग्स वगैरह वो आप पढ़ सकते हो इधर उधर से, जहां से भी जो भी है। अच्छा हेडलाइंस को आप अपना देखो, सबसे पहली चीज जिस पे लोग क्लिक करते हैं देख के, वो क्या होती है, वो आपकी हेडलाइन होती है, जो आपके मतलब टाइटल जो होता है आपके, आपकी पोस्ट का जो टाइटल होता है, ठीक है। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, उसको अच्छा बनाओ, उसको अच्छा बनाने के लिए भी एक टूल है। मेरी एक बात हुई थी अभी पिछले 1-2 दिन पहले ही, हमारे हमारे अपना इसका ही बंदा है कोई बोल रहा था कि यार टूल्स का है सीन वगैरह, तो के मैनुअली करना चाहिए। मैंने बोला भाई टूल्स के बगैर तो एसईओ मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे प्लम्बर बगैर पानी के, और इस तरीके से। तो टूल्स आपको जितने बताऊंगे वो उनको उनको यूज करना होता होगा। ये कहाँ की बातें चल रही है भाई, कौन कर रहा है ये चैटिंग? पंकज रिप्लाई नहीं करो इन लोगों को यार, अब जो अभी आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको नहीं रिप्लाई करो, छोड़ो। अच्छा ये देखें आप, coschedule.com, ये भी आपको मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। आप इस पे हेडिंग लिखें मिसाल के तौर पे, हाउ टू कंडक्ट वेबिनार, मिसाल के तौर पे आपने ये हेडिंग बनाई है, ये आपको उसका पूरा एनालिसिस निकाल के बताएगा कि आपकी हेडिंग कितना अच्छा काम करेगी, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हेडलाइन स्कोर भी बता दिया इसने जी आपको, आप इसको बेहतर करें। मिसाल के तौर पे जी ये इतने क्लिक्स नहीं लेगी, क्यों जी? अनकॉमन वर्ड्स इसके अंदर इतने हैं, कॉमन इतने हैं, पावर वर्ड्स नहीं है, फलाना ढमकाना, करेक्टर काउंट और वर्ड सिर्फ 4 हैं, तो ये कम है। पूरा एनालिसिस देख रहे हैं आप, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, या हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता, जिसको पता होती है वो बताने का उसको कोई शौक नहीं होता, ठीक है। तो हाउ टू कंडक्ट एन अमेजिंग वेबिनार, हेडलाइंस पे टाइम दो, हेडलाइंस अच्छी लिखो, हेडलाइंस ऐसे, आप देखो स्कोर बढ़ गया। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करो, हेडलाइंस पे टाइम दो, अभी खुद दोगे जब मैं बताऊंगा ना कंटेंट कितना लिखना है और कैसा लिखना है, तो फिर हर आर्टिकल को इंसानों की तरह ट्रीट करोगे। बिल्कुल, हर आर्टिकल तुम्हारा एक एसेट होता है, तुम्हारा एक आर्टिकल तुम्हारा एसेट होगा, क्योंकि अभी जो लिख रहे थे वो तो कोई स्पिन कर रहा है, कोई किसी से लिखवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई ऐसा नहीं होता। अभी मैं बताता हूँ आर्टिकल कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा
इस तरीके से। अब देखो कंटेंट किस तरीके से लिखना है। पहली बात तो ये कि अगर आप समझते हो कि आप हजार क्या, मैं तो आप 1500 पे आ गया हूँ, कि 1500 वर्ड से 1200 वर्ड से कम का अगर आर्टिकल लिखना है तो भाईजान अभी जो है ना वो उसको आपके लिए नहीं है ये वेबिनार, आप इसको लेक्चर को लीव करो और निकल लो। जी बिल्कुल सही, अभी सुनो इस चीज को भाई, आपने कंटेंट लिखना है दबा के, जो आपकी मेन वेबसाइट है जिस पे से आप अपने अर्निंग करनी है उस पे आर्टिकल लिखो लंबा, ऐसा नहीं चवलियां नहीं मारनी, उस पे प्रॉपर रिसर्च करो। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्किन डिजीजेस में से मैं एक्नी पे लिख रहा हूँ आर्टिकल, तो ऐसा नहीं लिखूंगा मैं कि भाई एक्नी एक्नी एक ऐसी चीज है और एक्नी से ये होता है और ये होता है, तो अगर आपको एक्नी सही करनी है तो आप ये वाली प्रोडक्ट चेकआउट कर लेना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है भाई, एक्नी पे फिर पूरी रिसर्च करो, ये देखो के रिसर्च के मुताबिक इतने लोगों को एक्नी होती है और इतने लोग एक्नी से मर जाते हैं, खैर मरता कोई नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि उस पर रिसर्च होगी, फिर उसकी थोड़ा सा बताओ भाई इसके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं आज तक, इतनी दवाइयां बनी है इस दवाई का, ये मतलब एक्सपेंड करो और यूजफुल, और मतलब इसके ऊपर रिसर्च, एक एक आर्टिकल के ऊपर रिसर्च होगी, 2 दिन में एक आर्टिकल दो या 3 दिन में एक आर्टिकल दो, लेकिन बंगा आर्टिकल नहीं देना जिसके अंदर कुछ नया नहीं है, इधर से कुछ उठा के उसको स्पिन करके और फलाना ढमकाना, और लिखना अच्छा, लिखने पे मैं अभी जरा बाद में आता हूँ, समझ में आई बात। अच्छा तो यानी कि आर्टिकल आप लोगों ने लिखना है भाई, मैं बोलता हूँ इसको 1500 वर्ड से ज्यादा का लिखो आर्टिकल, तो इससे क्या होगा जो जो अपना छोटा मोटा कॉम्पिटिशन है ना उसको तो आप ऐसे ही वाइप आउट कर दोगे आपका आर्टिकल, समझ रहे हो। जो नील पटेल जैसे लोग हैं वो तो एडवाइस करते हैं आप कि 2500 वर्ड से ऊपर का आर्टिकल हो, ठीक है, और इस चीज को फॉलो करोगे तो खुद मजा आएगा। 300 वर्ड्स का आर्टिकल, या 300 वर्ड्स में क्या करोगे, 500 वर्ड्स ये स्टैंडर्ड बना हुआ है हमारे यहाँ, हम इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते हैं 300 500 वर्ड्स का आर्टिकल जब। तो फिर मैंने आपको दिखा दिया, फिर एक्सपर्ट्स की अपनी वेबसाइट्स का हाल मैंने दिखा दिया आपको कि वो किस चीज पर रैंक हुए हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, आर्टिकल आपने इतना बड़ा लिखना है, आप खुद नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे खर्चे की बात शुरू हो गई, ठीक है, 95% हम पाकिस्तानी हम लोग नहीं लिख सकते भाई, जो सीधी बात है, ठीक है। फिर क्या है, आप राइटर हायर करोगे, राइटर को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसमें क्या है, अब अच्छा राइटर जो इस तरीके का आर्टिकल लिखे वो पैसे भी ज्यादा लेगा, 4-5 डॉलर में कोई नहीं, और पाकिस्तानी राइटर्स को नहीं हायर करो, पाकिस्तानी राइटर्स को नहीं हायर करो, अपवर्क पे जाओ, आई राइटर पे जाओ, यहाँ पे अंग्रेजों को हायर करो, कम से कम इंग्लिश तो सही हो, यहाँ वाले को तो इंग्लिश नहीं आती, वो लिख के दे देते हैं, ना हमें आती है ना उनको आती है, जो पढ़ रहे होते हैं वो पागल हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो भाई राइटर अपने से हायर करो, इसमें थोड़ा खर्चा ये बचाने का मैं ये तरीका बता सकता हूँ आपको कि आप रिसर्च खुद कर लो, रिसर्च खुद करो, और मैं इसको बोलता हूँ इसको ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट बना लो आर्टिकल का जिस टॉपिक पे लिखना है, और फिर वो राइटर को भेजो भाई, बोलो इस पे हाथ फेर दे भाई, मतलब इसको इसको आर्टिकल की शक्ल दे दो, तो वो थोड़े कम पैसे लेगा और ज्यादा अच्छा आर्टिकल हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप अगर किसी प्रोफेशनल राइटर को हायर करते हो लिखने के लिए, पूरा रिसर्च भी वो खुद करे ये भी खुद करे, तो वो एक आर्टिकल 50-60 डॉलर का भी पड़ सकता है कम से कम, ठीक है। कामरान अरशद, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं मेरे दोस्त, और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा फिर उसके बाद कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और अल्लाह भला करे आपको उस अब क्या है, आप कंटेंट को यूज करना, अब आप जब 1500-2000 वर्ड का आर्टिकल लिखोगे तो फिर अब आपको पता लगेगा कि उसकी वैल्यू पता लगेगी, फिर आप खुद भी मेहनत करोगे कि अच्छा जी अब मैंने इसको लिख लिया, मैंने इसको जाया नहीं करना। लोग क्या करते हैं जी, आर्टिकल बनाया 200-300-400 आर्टिकल लिए भाई, दिन के 5-5 6-6 आर्टिकल मार रहे हैं धड़ाधड़, वो किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं, आर्टिकल की वैल्यू ही नहीं है, जब वैल्यू नहीं है तो ना आप उसको पीछे कोई काम भी नहीं करते, ना वो उसके पीछे कोई काम करने का फायदा है, ठीक है। तो जब इस तरीके का आर्टिकल लिखते हो एक प्रॉपर, फिर उसके अंदर कुछ चीजें आप डालते हो भाई, उसके अंदर मिसाल के तौर पे मैंने एक ट्वीट दिस का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ट्वीट दिस का ऑप्शन मतलब मैंने वेबसाइट टूल लिखा हुआ है, ये एक टूल है, इसको आप यूज करो तो आप अपना कोई सेंटेंस वगैरह कोई इस तरीके का कोट वगैरह वो डायरेक्टली ट्वीटेबल हो जाता है इसके अंदर, उसको यूज करना सीखो, मतलब कुछ ऐसी इन्हांसमेंट्स होती हैं वो उसके ऊपर फिर बाद में बात होगी कभी के ग्रुप पे हम लोग इस तरीके से शेयर करते रहेंगे। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, मेक द मोस्ट ऑफ योर कंटेंट। अब आपने जब एक कंटेंट इस तरीके का बना लिया, अब आप क्या करोगे भाई, अब आप उसको जाहिर सी बात है आपने रिसर्च किया उसके पीछे, आपने उसके पीछे पैसे लगाए, तो अब आप उसको और उसको शेयर करोगे, आप उसको स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दो आर्टिकल को, फौरन नहीं कुछ, जैसे एक आर्टिकल आपने लिखा उसके बाद आप लिखते जा रहे हो ना, पिछला आपने कोई आर्टिकल उठाया उसको स्लाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको जाके slideshare.net पे डाल दिया, वहां पे इतना ट्रैफिक है वहां पर भी, वहां से आपको ट्रैफिक मिला, बैकलिंक्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपने अपने आर्टिकल का इन्फोग्राफिक बना दिया, ठीक है, ये बनाने कैसे हैं वो सारी चीजें बाद की बात है, अभी सुनते जाओ, फिर वो सर्च करोगे सब मिल जाएगा, ये तो पता कर लो कि करना क्या है, ठीक है, वो करना कोई मसला नहीं है, ये बात याद रखना। अच्छा वीडियो बना लीजिए आपने, जब आपके पास पैसे ज्यादा सी बातें आएंगे आप और इन्वेस्टमेंट करें, आपने वीडियो बना ली, आप वीडियो पे शेयर, आपने यूट्यूब पे शेयर किया, आपको यूट्यूब का ट्रैफिक मिला यार, डेली मोशन का ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक तो कोई मसला नहीं और टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है,
ऑडियो भी, मतलब ये कि साउंड शेयरिंग वेबसाइट्स हैं, उनपे आप अपना कोई भी ऑडियो का पीस बनवा के या अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके और वो वहां पर भी डालो, आपको बिला वजह के बैकलिंक मिलेंगे। बेशक नो फॉलो हो डू फॉलो हो कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल बैकलिंकिंग के लिए नहीं, अभी ये जो ट्रैफिक बहुत मिलेगा आपको, मतलब आपकी वो बनेगा। अच्छा अब एडवांस कंटेंट क्रिएशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं भाई। अच्छा जनाब, पहले तो मैं बोलूं अपनी राइटिंग स्किल्स बेहतर करो, इस पे थोड़ी सी वर्किंग करो ताकि आप लोगों के पैसे बचें, क्योंकि लिखना तो मुसलसल है। एक चीज जो ब्लॉगर नहीं छोड़ सकता वो है राइट लिखना। तो या तो आप मुसलसल पैसे लगाते रहो या आप साथ के साथ अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करते रहो, ठीक है। मैं खुद प्रोफेशनली राइटर ही हूँ, मैं लिखता ही हूँ असल में, मैं ब्लॉगर फील्ड में बाद में आया, तो मेरा इस पे पैसे मेरे और चीजों में पैसे लग जाते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह इन चीजों पे। बहरहाल पैसे लगते हैं भाई, हर चीज इस फील्ड में हर चीज पे पैसे लगते होते हैं। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, एडवांस कंटेंट क्रिएशन, ये थोड़ा एडवांस लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो लोग भी अभी ताकि बोर नहीं हो यार, उन लोगों के लिए भी कुछ रखा है मैंने। अच्छा एडवांस कंटेंट भाई, लिंक मैग्नेट्स बनाने हैं आपने, क्या हुआ अब्दुल रऊफ? अच्छा लिंक मैग्नेट्स आप क्या, एक मिनट यार मैं चैट देख लूँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या है। मेरी नजर में ऑन पेज क्या है, मेरी नजर में ऑन पेज फाउंडेशन है। देखो ऑन पेज फाउंडेशन होती है, आपका किला जितना मजबूत होगा वहां से उतना अच्छे तरीके से लड़ सकोगे। अगर आपके पास 1500 से 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है, प्रॉपरली सेट हुआ हुआ है, उसके अंदर एक प्रॉपर पिचिंग है, अच्छा लिखा हुआ, एंटरटेनिंग है, रीडेबिलिटी उसकी जबरदस्त है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो उसके बैकलिंक्स बनाओगे तो फिर ज्यादा फायदा होगा ना। ऑन पेज के बगैर ऑफ पेज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ फिर आपने बना के रखी ऐसी चीज और उसकी ऑफ पेज नहीं होती तो भी वो उतना ही यूजलेस हो, समझ रहे हो, तो भी उतना ही यूजलेस। अटेंडीज ने किसका माइक खुला हुआ है यार, ये गुलाम रब्बानी का माइक कैसे खुल जाता है हर वक्त, तुमने क्या कौन सा माइक लगाया हुआ यार? रहमान यूसुफ का माइक भी बंद कर दूं मैं जरा। अच्छा अब देखो ये एडवांस जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके लिए है भाई। अब देखो इसमें मैं बस सुमो खोल के दिखाता हूँ आपको, आपने कंटेंट का पीस बनाना है ना, आप कैसे बनाओगे उसको, देखो आप जाएंगे बस सुमो पे, टॉपसी भी है वो ट्विटर का निकालता है खाली, बस सुमो को ज्यादा इसको यूज कर लो, ठीक है। आपने जी बेकिंग रेसिपीज लिखा यहाँ पर, कहो ये बहुत अच्छा टूल है। अगर मतलब अभी मैं ये नहीं बता रहा कि क्या बाय करना चाहिए क्या नहीं, तो वो मैं बता दूंगा क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर है भाई, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है वैसे, अगर इसको बाय भी को करना चाहिए। अब देखो ये आ गए ना, हाई एक हैट कपकेक्स इन कपकेक्स एंड मफिन रेसिपीज, मतलब ये पिछले साल में इसको बहुत ज्यादा वो मिले हैं, 2.4 थाउजेंड सोशल शेयर्स मिले हैं, इतने लिंक्डइन शेयर मिले हैं, पिंटरेस्ट पे इतने मिले हैं, ठीक है, और इसको टोटल इतने ज्यादा शेयर्स इसको टोटल मिले हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा बेकिंग रेसिपीज कीवर्ड था ना, मैं अब इसको जाके आर्टिकल को पढ़ूंगा, मैं इसको देखूंगा यार इसने किया क्या था, फिर मैं इससे बेहतर आर्टिकल लिखने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हो बात को, इसने क्या किया था, मैं इससे बेहतर आर्टिकल लिखने की कोशिश करूंगा, तो ये है कि मुझे भी शेयर मिले, समझ रहे हो बात को, स्टैंडर्ड बन गया ना एक। अच्छा यही चीज आप गूगल पे भी कर सकते हो, गूगल पे आप बेकिंग रेसिपीज लिखो और जो टॉप के जो है ना 10, उनको जाके देखो कि भाई इन्होंने क्या लिखा था जो ये टॉप पे आ गए, तो ये आपका ऑन पेज में टक्कर हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद ऑफ पेज में भी मैं एक थोड़ी आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, मतलब ये कि थोड़ी सी स्टीलिंग ट्रिक है, बदतमीजी है, लेकिन बहरहाल हम लोग उसको करते हैं, बहुत मजा आता है, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं उसके। अच्छा जनाब तो ये एडवांस कॉन्टेंट क्रिएशन का तरीका है, ऐसा नहीं इसमें ये है कि आपने सिर्फ कीवर्ड उठाया और कॉन्टेंट बना दिया खुद से, और दूसरा तरीका ये है कि आपने लिंक, देखो ये असल में लिंक मैग्नेट है आपका एक तरीके से, ये शेयरिंग हो रही है इतनी, इसके अंदर शेयरिंग मैग्नेट है ये ऐसी चीज शेयर हुई है, आपको पता लग गया जी मेरे इस कीवर्ड पे इस तरीके की चीजों ने बहुत शेयर्स उठाए थे, मैं भी ऐसी ही और इससे भी आगे की चीज बनाऊंगा और तो मुझे उस पर शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, और इन्हीं लोगों के शेयर्स कैसे इस्तेमाल करने ये भी मैं अभी बताता हूँ उसमें थोड़े आगे जाके। अच्छा तो ये इस तरीके के लिंक मैग्नेट्स इनको कहते हैं, यानी कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा लिंक्स आपके वो किए हैं। अच्छा अब कंटेंट मार्केटिंग में आ जाओ भाई, अब जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो, ठीक है, जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो भाई अब क्या है, अब सबसे बड़ा काम जो हम लोग नहीं करते वो होता है ईमेल निकलवाना लोगों से। देखो चूंकि अब आप कीवर्ड रिसर्च से बात चल रही है, आपने कीवर्ड टारगेटेड यूज किया, आपके पास ट्रैफिक चवलों वाला नहीं है, आपके पास टारगेटेड ट्रैफिक आ रहा है, मतलब जो आपकी प्रोडक्ट में आपकी नीश में इंटरेस्टेड है और खरीदने वाला बंदा है, सही है, सिर्फ नीश में इंटरेस्टेड नहीं है, खरीदने वाला बंदा है, ठीक है।
अच्छा जनाब, अब क्या है, अब ऐसा बंदा जब आपके ब्लॉग पे आ गया ना यार, तो अब उससे ईमेल निकलवा लो उसका, समझ रहे हो, उससे ईमेल निकलवा लो, वो ईमेल बहुत काम आएगा। मुझे अभी पंकज ने रिसेंटली बताया कि एक ईमेल जो आप भेजते हो मार्केटिंग का, उसकी वर्थ तकरीबन $44 तक एवरेज निकलती है, यानी कि इतना चांस होता है कि आपके पास जो ब्लॉग में रीडर आया था वो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकता है, एक ईमेल पे नहीं, अगली 10 ईमेल में, साल में वो खरीदेगा आपकी, आपसे कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, समझ रहे हो। तो अच्छा जनाब, अब ईमेल निकलवाने की टेक्निक्स हैं बहुत सारी, आप आर्टिकल लिखते हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर किसी चीज पे लिखा, मैंने 22 बेकिंग रेसिपीज लिख दी है, ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि यार जो है वो स्टार्ट में, अच्छा मैं इसमें मैं क्या करूंगा, मैं जनाब उसमें लिख दूंगा कि भाई अगर आपको, अगर इसमें जो है वो 22 इसके अंदर है, आप ये लिस्ट डाउनलोड कर लोगे तो आपको 24 मिलेंगी, ठीक है, 24 दो रेसिपीज एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो क्या है, लोग इसको डाउनलोड करने के लिए जब क्लिक करेंगे, ईमेल डालेंगे, मैं ईमेल कलेक्ट कर लूंगा, मैं इसकी आपको लाइव एग्जांपल, बैक लिंक को बेहतरीन, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है, बैक लिंक आपको दिखाता हूँ, बैक लिंक वाला बंदा क्या करता है, आप इसको लाइव देखो, अगर किसी ने कोई एसईओ करता है और उसने अभी तक नहीं पढ़ी ये वेबसाइट, तो बड़े अफसोस की बात है बहुत अफसोस की बात है, इसको बहुत कुछ नहीं आया, ये देखो इसने आते ही ईमेल मांग लिया मुझसे, और मुझे ऑफर कर रहा है ना वो, एंटर योर ईमेल बिलो टू गेट एक्सेस टू माई प्रूव इन एसईओ एंड ट्रैफिक टिप्स। और यार दादा ट्रैफिक टिप्स फ्री मिल रही है, ठक ठक ठक, भाई मेरा ईमेल इसने ले लिया। चलो मैंने अगर इसको मिसाल के तौर पे यहां से भी ईमेल नहीं दिया, ये देखो मुझे फ्री ई बुक दे रहा है, हाउ टू गेट 25,000 विजिटर। ओए होए दादा 25,000 विजिटर, अब तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, इधर डाउनलोड पे क्लिक करूंगा ईमेल मांग लेगा मुझसे। तो ये ईमेल निकलवाने के तरीका, और मेरा ईमेल इस बंदे के पास है क्योंकि इसने ऐसा काम किया हुआ है। तो आपने भी ऐसा काम करने हैं, आपने फ्री ई बुक एक आध रख दी आप, और फिर क्या है, हर इसका कहाँ है ब्लॉक, कहाँ चले गए, हाँ ये रहा, हर पोस्ट में इसने ऐसा काम करके रखा हुआ है कि हर पोस्ट इसका ईमेल मांगता है चिल्ला चिल्ला के, और लोग ईमेल देते हैं। इसने इस बंदे ने सिर्फ 50 पोस्ट किए हैं अब तक, पता नहीं इसको कितना टाइम हो गया है, और ये बंदा अथॉरिटी है, और मतलब इसने हजारों लाखों डॉलर्स का बिजनेस जनरेट किया है, ठीक है। अच्छा जनाब यहां पर भी ईमेल मांग रहा है, अच्छा ये देखो अब कंटेंट के अंदर ईमेल कैसे मांग रहा है, मैं नीचे आ जा भाई, देखते हैं हम लोग इसको, ये नीचे आ जा जरा, हाँ यहाँ भी इसने कहीं ना कहीं कुछ दिया होगा लाजमी, ईमेल मांगे बगैर तो उसका गुजारा नहीं है। तो बहुत ज्यादा ही तस्वीरों वाली पोस्ट है, मैं कुछ छोटी पोस्ट निकालता हूँ, ये देखो जी एसईओ टूल्स द कंप्लीट लिस्ट, इनको पढ़ो, ये तो दिमाग खोलेगा तुम लोगों का, यार तुम लोग कहाँ फजूल लोगों के पीछे पड़े हो, हमें ये सिखा दो हमें वो सिखा दो, कुछ नहीं आता इन लोगों को, इन्होंने कभी जिंदगी में, इनको खुद समझ भी नहीं आता ये पढ़ने में चीजें, खुद पढ़ो इनको, ठीक है। अच्छा जनाब हाँ मैं वो भी दिखा देता हूँ, शूट 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 शूट, और ये आर्टिकल की लेंथ देख रहे हो भाई मुझे तो अभी मैं जल्दी में गुजर रहा हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या चीज कहाँ है। बहरहाल तो ये इसको वेबसाइट को स्टडी करो, आपको पता लगेगा ये कैसे कैसे ईमेल मांगता है, आपको खुद ही ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे। आप ये देखो ये 404 पेज तक पे वो मांगता है ईमेल, ईमेल किस तरीके से निकलवाता है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, यहां पर भी ईमेल मांग रहा है, ये देखो गेट एक्सक्लूसिव टिप्स, ये जी ईमेल दे दें आप हमें, समझ रहे हो, ईमेल आपके पास होगी यार, आप उनको आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी हर आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी ना, सही है, फेसबुक के आप फेसबुक के लाइक्स हासिल करना, मेंबर बनाना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो लोग नहीं इतना आपको रेगुलरली फॉलो करते, वो इतने लॉयल नहीं होते, ये लॉयल ऑडियंस कहलाती है, जिसने आपको अपना ईमेल दिया है वो आपकी बात को फिर आपके हर आर्टिकल को पढ़ेगा, आप उसको ईमेल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करो जी मेरा नया आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल पढ़ेगा उसमें कोई प्रोडक्ट होगी फलाना ढमकाना। तो ये बहुत एक मतलब ये है कि ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही आगे की तो नहीं कहूंगा क्योंकि जो सही लोग हैं वो हर कोई यूज करता है, लेकिन एक बहुत यूजफुल चीज है ये, और इसके बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मजे की बात ये है कि हमारे यहाँ तो ईमेल मार्केटिंग का पता ही नहीं लोगों को, ना टीचर्स को पता है ना बच्चों को पता है कुछ। अच्छा जी तो ईमेल कंटेंट से आप किस तरीके से ईमेल ले रहे हो, आपको ये भी अब समझ में आ गया। सोशल शेयर्स कैसे ले रहे हो, यानी लिंक मैग्नेट वाला कंटेंट कैसे बनाओगे, वो भी आपको समझ में आ गया। बिल्कुल उनका इंटरेस्ट आपको पता है, आप उन्हें कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मतलब कोई भी नहीं, इंटरेस्ट से मुताल्लिक जो भी प्रोडक्ट होगी वो। अच्छा जी
अब आ जाते हैं हम लोग किस चीज के ऊपर, कंटेंट मार्केटिंग हो गई, ईमेल एड्रेस आपने लोगों से निकलवा लिए, इन इन टेक्निक्स और मेथड्स को हम लोग अपने पर्सनल जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में अभी छांटियां भी होंगी, सारी चीजें होंगी, जो लोग बचेंगे वो इंशाल्लाह फिर बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा जी, लेकिन अभी भी जो जो अटेंड कर रहा है उसको मुझे उम्मीद है उसको समझ में आ गई होगी, इतना इतनी ज्यादा आगे की और पीछे से लेकर आगे की चीजें, अगर पेड कोर्सेज वाले यहाँ पर उसकी बात की वो देंगे, तस्दीक करेंगे, गवाही देंगे कि पेड में भी इतना मैंने 3 महीने पढ़ा, मुझे पता है एक कख नहीं मुझे सही से, और इतनी आगे की बातों का तो सवाल ही नहीं बनता। तो मुझे उम्मीद है ये जो फ्री वेबिनार है आप लोगों का, इसका हक अदा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से हो ही चुका होगा। अच्छा जी, सही कह रहा हूँ मैं? कुछ बोलो मेरे दोस्तों। अच्छा जनाब, हाँ जी, 3 बंदे खाली, सारे बोलो ताकि मुझे पता लगे यार सारे सुन। जबरदस्त, माशाल्लाह, चलो वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खुशी हुई यार मुझे सुन के। अच्छा जी जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, इधर आ जाते हैं अब हम लोग कहाँ गए, बैक लिंकिंग स्ट्रेटेजीज पे, ब्लॉग कमेंटिंग, बहुत बड़ा एक दो। अच्छा बहरहाल चलो, अब आ जाते हैं जरा हम लोग काम की बात पे, ब्लॉग कमेंटिंग अगर हो गई हो तो। ब्लॉग कमेंटिंग बुरी नहीं है यार, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो इसको पंकज का भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे सिखा दिया। पहले मैं इनसे बहुत लड़ता था कि ये मेरे गुरु के आगे बात करते हैं उनके आगे, लेकिन ये है कि शुक्र है कि थोड़ी अकल आई और जो है वो मैंने इसको जो है वो, इसने पहले तो मुझे सिखाने से ही मना कर दिया, बड़ी मुश्किल से सिखाया इसने मुझे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, देखो मैं, हाँ, ब्लॉग कमेंटिंग आप रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए यूज करो इसको बिल्कुल, और अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं जनाब हम लोग, ब्लॉग कमेंटिंग बेशक आप इसको यूज करो कर सकते हैं, और मतलब ये तो आप लोगों को इसका थोड़ा आइडिया हो गई। आ जाते हैं ब्लॉगर आउटरीच की तरफ, स्टील फ्रॉम कॉम्पिटिटर। सबसे पहले स्टीलिंग बताता हूँ मैं, स्टीलिंग कैसे, अभी देखो मैं उसी चीज को आगे लेके चलता हूँ। आपने, मैंने आपको बताया था आपने किस तरीके से अपना कॉन्टेंट बनाने के लिए और कीवर्ड पे, और अपने आपने देखा कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। अब जब आपने ये बना लिया ना, ठीक है, तो अब क्या करो, आप इसकी प्रोफाइल ढूंढो, ठीक है। अब ये ट्रिक सुनो, ये बड़ी बदतमीजों वाली ट्रिक है और बड़े मजेदार ट्रिक है, इससे आपको बहुत लिंक्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। आपने देख लिया जी, ओ हो, ये okup.net है, ये इसके पिंटरेस्ट पे इतने शेयर मिले थे, आप इसके पिंटरेस्ट को जाके पकड़ लो, ठीक है, और इसको जिन जिन लोगों ने लाइक दिया था ना इस पोस्ट पे, उनको जाके मैसेज करो, उनको बोलो यार मतलब के बड़ा जबरदस्त आपने, मैंने देखा आपने ये आर्टिकल को लाइक किया हुआ था, पिन किया हुआ था, तो मैंने भी एक इससे रिलेटेड आर्टिकल लिखा है ना, तो आप इसको भी पढ़ें तो आपको मजा आएगा, ठीक है। हाँ तो ये, हाँ ये वो जाहिर सी बात है, कुछ लोग होंगे उनको पता भी होंगी ट्रिक्स और ये वो, तो अच्छा जी, तो अब क्या है, आप उनको मेल करो और उसके बाद यानी उन लोगों को अपना वो दो, तो इससे बहुत ज्यादा आपको हाई रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिन्होंने इससे रिलेटेड आर्टिकल को लाइक किया है पहले से ना, लाइक किया है, शेयर किया है, तो आपको बहुत ज्यादा टारगेटेड शेयर्स और वो मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैसेज का टेम्पलेट बना लो आप एक, मैंने तो बंदा रखा हुआ है असिस्टेंट भाई, मेरे से बहुत ज्यादा काम हो जाता है वो इतने सारे लोगों को भेजने के लिए, तो वो आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से आपको जो करना है आप टेम्पलेट बना के रख लो और ये, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब आप एक और, अब आप क्या करोगे, बैकलिंक बनाओगे, ठीक है, ओके गुलाम शुक्रिया। अच्छा अब क्या है, एक आपने क्या किया, अब आपने इसकी वेबसाइट की वो पोस्ट भी निकाल ली, अब आप उसका एएचआरएफ से या सेमरश से या जो भी आपके पास पेड टूल है, बैकलिंक आप उसके चेक करो, उसके बैकलिंक चेक करो कि किस किसने बैकलिंक दिया हुआ है इसको। स्वेब टेम्पलेट छोड़ दो यार गुलाम, अभी आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप इस पर नहीं, बीच में कमेंट करो। तो अच्छा जनाब क्या है, आप इनके बैकलिंक चेक करो। अच्छा जी, इसने ये, इसकी ये वो थी, इसकी ये पोस्ट थी, अब मैं इसको उठा के इसके बैकलिंक चेक करूंगा कि इसको किस किसने बैकलिंक दिया था, और फिर मैं जाके जिस जिसने बैकलिंक दिया था ना उसको मैं मैसेज करूंगा कि यार आपने ये इस चीज को इसको बैकलिंक दिया हुआ है इस भाई को, मतलब इस पोस्ट पे, ये नहीं बोलना इस भाई को। अच्छा ठीक है, तो मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर और इसका मतलब इससे भी अच्छा है वो, अगर तो आप मुझे भी कुछ करें, तो ये है कि अगर इसमें से आप जैसे 100 लोगों को भेजते हो, 100 में से अगर आपको एक दो बंदे ने भी बैकलिंक दे दिया ना, तो आपके बड़ा अचीवमेंट है, और ये मतलब आपकी वेबसाइट बहुत ऊपर जाएगी इस तरीके से। कंटिन्यूअस काम है ये, नहीं एक दफा करके बैठ गए, और इसमें हार नहीं माननी कि यार मैंने अब तो 200 लोगों को किया था, एक ने भी नहीं किया, तो अगले 200 को भी करो, दो भी मिल गए तो वो यार बैकलिंक आपको पता है बड़े कीमती चीज है, और इससे आपको बहुत मतलब तरीका है मिलने का, और
अच्छा, इसी तरीके से स्टील द बैकलिंक वाली टेक्निक में ये कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, आप अपना कीवर्ड डालो, आपको कॉम्पिटिटर आपके नजर आ जाएंगे शुरू के, जो 10-12 होंगे, आप उनके कीवर्ड, आप उनके बैकलिंक्स निकाल लो, ठीक है, कि उन्होंने कहाँ कहाँ बनाए हैं, फिर उनको जाता है कि जो है वहां पे अपने बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये बैकलिंक बनाने का सबसे बदतमीजों वाला लेकिन बहुत अच्छा तरीका ही है, बहुत जबरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप अपना बैकलिंक, बहुत मतलब ये है कि अपनी बैकलिंकिंग प्रोफाइल बना सकते हो। अच्छा, बैकलिंकिंग प्रोफाइल में मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों को बैकलिंकिंग का पता है वो फिर एंकर टेक्स्ट पे बात करते हैं, एंकर टेक्स्ट कितने क्या इसमें भाई, ज्यादातर यही है, इसमें अपने नेकेड यूआरएल पे बनाओ, सिर्फ यूआरएल यूज करो या अपना ब्रांड नेम ज्यादातर यूज करो इसमें, जो है ना वो थोड़ा बहुत अपना कीवर्ड दे दिया करो इस पे पंकज ज्यादा अभी आप मतलब बाद में एक्सप्लेन कर देगा इस टॉपिक को ज्यादा, लेकिन इसमें मैं अभी फिलहाल मैं इतने ही कह सकता हूँ कि अपने कीवर्ड पे ओवर ऑप्टिमाइज नहीं कर देना, हर जगह अपने कीवर्ड से बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, कि बैक लिंकिंग की टेक्निक आपको ये समझना है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, इसी को पकड़ के रखोगे यही बहुत कुछ कर देगी, और भी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, ब्लॉग कमेंटिंग के जरिए से भी आउटरीच, यही आउटरीच सारी चीजें यानी कि इसके अंदर आ जाती हैं आपकी, इस तरीके से आप जो आप लभला करें, आपके जो आपके नीश में आपकी जो अथॉरिटीज हैं, थोड़ा सा वेबसाइट जब आपकी बन जाती है ना, उसकी शक्ल निकल आती है, थोड़ा भाई रीच उसके PADA बन गया उसका या वो हो गया, फिर उसके बाद जब आप दूसरी अथॉरिटी वेबसाइट्स को जब आप मेल करते हो ना कि यार हमने इस चीज पे बैकलिंक आर्टिकल लिखा है, हमें बैकलिंक की जरूरत है, ब्रो तो वहां पे ब्रांड नेम डाल के दे दो ना, ब्रांड नेम दे दो उसमें, ठीक है। और गेस्ट पोस्टिंग जो है वो उस पे भी आ जाता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग भी आप कर रहे हैं यार, गेस्ट पोस्टिंग में अपना जो है वो कॉन्टेक्चुअल लिंक दें, अपने जो आपका लिंक है ना उसके इर्द गिर्द अपने से रिलेटेड कॉन्टेंट जरूर लिखें, या ये सब बहुत पावरफुल टेक्निक है आजकल, इसके बगैर नहीं मजा कर रहा बैकलिंक, ठीक है। तो इर्द गिर्द उसके कंटेंट रिलेटेड हो आपके, ताकि गूगल को पता लगे अच्छा जी ये यही बात चल रही थी और इसके बीच में ये बैकलिंक था इस बंदे का, तो वो उस हिसाब से आपको मिलेगा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम लोग बैकलिंक की, यार और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि आप इस चीज को, और कमेंटिंग के जरिए से भी आप ब्लॉग कमेंट्स भी करो बेशक, और इस चीज को अपनाओगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसका क्या, इसकी पीछे कितनी पावर है और इसका आपको कितना रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो फिर हम शेयर कर देंगे। और अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा जी स्काई स्क्रैपिंग यही था, स्काई स्क्रैपिंग इसी के अंदर था, स्काई स्क्रैपिंग का जो है वो, स्काई स्क्रैपिंग का मकसद यही था कि आपने जो है वो एक आपने देख लिया कि आपके आप जिस चीज पे आर्टिकल लिखने वाले हो उसमें टॉप आर्टिकल कौन से थे, फिर आपने उनसे बेहतर बनाया, आपने उनसे भी बेहतर बनाया, और उसके बाद आपने उनके बैकलिंक्स और उनके जो शेयर करने वाले लोग थे उनसे आपने कांटेक्ट किया, और आपने अपना आर्टिकल कैसा, मतलब आप देखो ना, आप जब आप इतना बड़ा आर्टिकल लिखते हो, इतनी अच्छी चीज बनाते हो, तो फिर उसका इसी तरीके से यूज भी होता है, फिर आप करोगे भी सही, मेहनत भी करोगे उसके ऊपर। अभी जो आप 500 1000 वर्ड्स का आर्टिकल, 800 वर्ड्स का, 300 का लिखते हो, वो ऐसी वेबसाइट में खड्डे में पड़ा रहता है, ठीक है। मैंने ये बैकलिंकों की मिसाल दी, ये बंदे ने 50-60 आर्टिकल्स से लाखों डॉलर्स का बिजनेस जनरेट किया, और हम लोग तो 50 आर्टिकल तो हम समझते हैं कुछ है ही नहीं, क्या है 50 आर्टिकल तो लिखे, ठीक है। तो अच्छा जनाब, तो अब आपको समझना है कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, फिर होगा कंटेंट। हाँ, अभी 110 हो गए, लेकिन इसने 50 से कर लिया था अपना हिसाब, बैकलिंको वाले ने, ये जब 50 तक पहुंचा था ये अथॉरिटी बन चुका था, ठीक है। अच्छा जनाब, आ जाते हैं हम लोग अब किस चीज पे आ जाते हैं, हाँ जी PBN पे आ जाते हैं। अच्छा वो मैं पानी वानी भी पी लूंगा यार, PBN पे आ जाते हैं। PBN में क्या हुआ, अब देखो बैक लिंकिंग स्ट्रेटेजी है भाई, इसको हम लोग आखिर में यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज है, ये लोगों को इसमें जिनको नहीं आता या जिन्होंने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दे भी रहे हैं और उस चीज को वो भी कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, और गूगल को धोखा दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आर यू श्योर, वो बाद में कर लेंगे। अच्छा जनाब चलो वो तुम बता देना फिर। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, क्या कहते हैं इसको, PBN के ऊपर। भाई PBN में हम लोगों ने क्या करना है, देखो PBN कुछ भी नहीं है इतना, लोगों ने उसको जो है ना वो बना लिया है, ब्लैक हेड है, फलाना ढमकाना है, और बड़ा कोई वो हो गया, हालांकि खुद सारे 2 नंबर काम कर रहे होंगे, जब अपना न्यूबीज से खुद पैसे ले लेंगे लाख लाख रुपए, आधा लाख रुपए, तो इनको ना ये ख्याल आएगा कि
जो है वो हम यूबीज कैसे पैसे देंगे ना, इनको ये ख्याल आएगा कि ये गलत बात है, हमने तो खुद पता नहीं कैसे फेसबुक से ट्रैफिक ले लेके अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, हम कैसे क्यों पैसे ले रहे हैं, हमें नहीं आता इस चीज़, तो कोई ना इस चीज में फर्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन ये है कि जब कोई दूसरा आके बोलता है तो फौरन ब्लैक हैट और व्हाइट हैट और हलाल और हराम इन लोग, हालांकि कोई इसमें मुझे हराम चीज मुझे नहीं लगता, इसमें कोई फतवा भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपली करना क्या होता है, देखो यार बहुत सिंपल है, पीवीएन बनाना बहुत सिंपल है, सिर्फ बात ये कि आपको पता होना चाहिए आप सेफ पीवीएन कैसे बना सकते हो। पीवीएन बनाना तो कोई मसला नहीं है, बस उसको ये है कि आपको पता हो, अभी मैं बता देता हूँ आपको सेफ पीवीएन कैसे बनेगा। देखो यार आपने क्या करना है, आपने उठानी है डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन। अब एक्सपायर्ड डोमेन कैसे उठानी है, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल बंदा है, वो अभी इसको कन्वर्जेशन को आपको बताएगा। आपने एक्सपायर्ड डोमेन उठानी है, ठीक है, उसका आपने पीएडीए चेक करना है कि हाँ यार उसकी पेज अथॉरिटी, उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 25 है, 30 है, इस तरीके की हो, ठीक है। आपने वो बाय करनी है, ठीक है, आपने उसके ऊपर ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाना है बिल्कुल प्रॉपर, बेशक फ्री थीम उठाओगे आप कुछ भी करोगे, आपने ब्लॉग बनाना है, ठीक है। आपने उसके ऊपर जैसे मिसाल के तौर पे मैं, मेरी मेन वेबसाइट है मिसाल के तौर पर, मैं एफिलिएट वेबसाइट, मैं बेच रहा हूँ सप्लीमेंट को, ठीक है, मेरी मेन वेबसाइट कोई सप्लीमेंट से मुताल्लिक है, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं पीबीएन बनाऊंगा किसके, हेल्थ के ऊपर, पीबीएन वेबसाइट होगी मेरी हेल्थ से मुताल्लिक। अब मैं उस वेबसाइट के ऊपर चार, अब ये वाले आर्टिकल आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप किसी से लिखवा लो, 300 400 रुपए लेते हैं एक आर्टिकल लिख देते हैं राइटर आजकल ऑनलाइन, अंग्रेजों की बात करो, मैं लोकल को तो रहने दो, ठीक है। अच्छा, उनसे लिखवा लो आप, ठीक है, लेकिन आर्टिकल स्पिन नहीं हो, आर्टिकल प्रॉपर हो, लेकिन उसके लिए आपको एस एच कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसको रैंक नहीं करना चाहते, उससे आपको पीबीएन से आपको पैसे नहीं मिलते, ठीक है। हाँ, वो मैं अभी बताता हूँ सेफ्टी वाला सारी चीजें, ठीक है। अभी अभी ये सुन लो पहले कि जो है वो करते कैसे, ठीक है। आपने आर्टिकल लिखवाने, आपने डाल, आपने शुरू में जैसे उसके ऊपर 4 से 5 आर्टिकल जो है वो आपने डाल के भाई शुरू कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर जैसे वेबसाइट बनती है वैसी बनानी है। बात यह है कि हम लोगों ने शक नहीं होने देना, हमको कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल स्पिन नहीं है, अबे भाई कॉपी स्किप पे चेक कर लेना यार, अब ये तो बात है करने की, कैसे पता चलेगा। अच्छा ओके, अब देखो बात क्या होती है, आपने उस पे 2 3 आर्टिकल लिख दिए, ठीक है, 4 5 अपनी सेफ्टी के हिसाब से जो 2 3 लिख दिए आपने, क्या किया, और उसके बाद चौथी वाला जो आपने आर्टिकल लिखा उसमें आपने आपने अपने अपनी जो मेन वेबसाइट है उसको एक लिंक दे दिया, ठीक है, ठीक है। स्पिन का मतलब होता है यूनिक, अबे स्पिन का मतलब यूनिक नहीं होता भाई अब्दुर्रऊफ साहब, बैठ जाओ तुसी आराम से। अच्छा ठीक है, अच्छा अब आर्टिकल लिखने का मैं ऊपर एक चीज मिस कर गया, कंटेंट जब आप अपना लिखो 2000 वर्ड्स का, तो उसके अंदर आप लोगों ने आउटबाउंड लिंक्स देने हैं, मतलब ये कि अपने जो आर्टिकल लिखते हो ना उसके अंदर किसी को मेंशन किया करो, अथॉरिटी को, विकिपीडिया को लिंक दे दिया मिसाल के तौर पे, या कोई और, जैसे अगर मैं एसईओ पे लिख रहा हूँ, मैं कोई स्प्राउट को लिंक दे दूंगा, बैक लिंकों वाले को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। नहीं, स्पिन का मतलब यार वो सॉफ्टवेयर होता है, एक ही आर्टिकल को आप उसमें स्पिन में डालो, वो कहते हैं कि यूनिक बन जाता है, हालांकि वो सिर्फ सिनोनिम्स यूज कर लेता है, अभी छोड़ो ना उस चीज को यार। अच्छा मैं कहाँ था, क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं, कोई याद दिला दो भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, पीवीएन बता रहा था शायद, हाँ आउटबाउंड लिंक्स, हाँ आउटबाउंड लिंक्स बता रहा था मैं, तो अपने हर आर्टिकल में ना आउटबाउंड लिंक दिया करो, ठीक है, जो अपनी मेन वेबसाइट है उसमें भी दिया करो, ठीक है, दूसरी अथॉरिटीज को मेंशन किया करो, और फिर उनको मेल भी कर दिया करो, भाई हमने आपको मेंशन किया है, ठीक है, तो वो आपको लिंक नहीं देंगे वैसे तो वापस, जो सीधी बात है, लेकिन जब आप ग्रो कर जाओगे ना तो फिर आपको देंगे, फिर आपको कोई ना कोई आपको भी वापस लिंक देगा, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट में तो नहीं देगा, लेकिन आप करते रह करो ट्राई, कोई वो नहीं है, लड़की बन के दिया करो, अब ये बड़ी हंसी होगी आपको, हंसी आएगी, मैंने पढ़ा इसमें ऑनलाइन कि एक बंदा कह रहा था भाई मैंने नोट किया है कि जो जब फीमेल कोई रिक्वेस्ट, हालांकि वो अंग्रेजों की बात चल रही थी, कि जब कोई फीमेल रिक्वेस्ट आती है ना तो बैकलिंक मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके यहाँ भी चलता है ये सब, जैसे हमारे यहाँ ग्रुप में आपने देखा होगा ये ज्यादातर लड़के लड़की की आईडी बना के हेल्प मांगते हैं तो ज्यादा हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, तो आउटबाउंड लिंक देने से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, सिर्फ ये फायदा नहीं, वो गूगल के लिए नजर में अच्छा रहता है, ऐसा बंदा वो समझ में आता है, अच्छा प्रोफेशनली काम कर रहा है ये, कोई जो है वो अपने लिए जगह नहीं बचा रहा खाली के, खुद उसको सारी कंपटीशन, खुद रैंकिंग चाहिए, दूसरों को भी मेंशन करता है फलाना ढमकाना, तो अच्छा रहता है, ये जरूर दिया करो, ठीक है, इसके अभी डिटेल में नहीं, बस दे दिया करो, डिटेल फिर बाद में डिस्कस हो जाएगी कभी। अच्छा, तो इस तरीके से पीबीएन में भी जब आर्टिकल बनाओगे पीबीएन वेबसाइट के लिए, तो उसमें भी क्या है, दूसरों को आउटबाउंड लिंक देना, एक दो शुरू के 3 4 में अपने को तो देना ही नहीं,
असल में हम लोगों ने छुपा के रखना होता है इसको, इसीलिए प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क कहते हैं। नहीं रब्बानी, ट्रस्ट फ्लो जिसको दे रहे हो उसकी उस तक आपका ट्रस्ट फ्लो जाएगा, मतलब आपको नहीं से मिलता कुछ। अच्छा इस सेंस में नहीं मिलता, बाकी सेंस में आपको फायदा होता है। अच्छा अब क्या है, जब आपने अपने आप को छुपा के रखना है, आपने ये नहीं पता लगने देना कि ये मेरी ही वेबसाइट है असल में, पीबीएन वेबसाइट, मेन वेबसाइट, आप गूगल से ये बात छुपानी है, ठीक है। इसीलिए हम उस पीबीएन वेबसाइट को ऐसे हम लोग यूज करते हैं, पीबीएन वेबसाइट को हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये कोई अलग वेबसाइट है, किसी और बंदे की वेबसाइट है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि गूगल को जब हम लिंक देंगे तो गूगल को नेचुरल लगे वो बैकलिंक, ठीक है। तो जब आप तीन चार आर्टिकल्स पे दूसरों को लिंक देते हो, फिर छठे आर्टिकल पे आ गए, जैसे कि आप आपने अपने आप को एक लिंक दे दिया, ठीक है, अब आपने अपने आप को एक लिंक दे दिया, अब चूंकि जो आपने डोमेन खरीदी थी पीबीएन वेबसाइट की, वो ऑलरेडी उसका पीएडीए ज्यादा था, आपने न्यू डोमेन तो नहीं दी थी, तो अब क्या है, अब पेज अथॉरिटी उसकी ज्यादा थी, डोमेन अथॉरिटी ज्यादा थी, तो लिंक जूस आपके पास ज्यादा ट्रांसफर हो गया, समझ रहे हो बात को, यानी आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, जो एक बैकलिंक का फायदा होता है अच्छी डोमेन से, तो आपको अपनी अच्छी डोमेन से, और क्या है कि आपने खुद दिया अपने आपको ना, ठीक है, यानी आपके किसी से मांगना नहीं पड़ा आपको, डेफिनेट जब आप खुद वेबसाइट बना रहे हो तो आपको बैकलिंक मिलेगा, आपको पता है आपने खुद ही देना है, ठीक है। और आप इसमें अपना ये कि अपने हिसाब का दे सकते हो, कॉन्टेक्स्चुअल दे सकते हो, जैसे मैंने बताया कॉन्टेक्स्चुअल बैकलिंक की बड़ी आजकल वैल्यू है, ठीक है, मतलब पहले से होगी लेकिन ये है कि अब ज्यादातर मतलब ये कि इट गेट टेक्स्ट जो है उसका वो आपके टॉपिक से रिलेटेड टेक्स्ट हो, तो आप जब खुद ही आर्टिकल लिखवा रहे हो तो आप इसी टाइप का आर्टिकल लिखाओगे, और बैकलिंक आप अपने कीवर्ड को दे सकते हो फिर, समझ रहे हो, जैसे बहुत सा जब आप दूसरों के बैकलिंक बनाते हो तो आपको कीवर्ड पे मुश्किल होते हैं देने में कि आपको आपके कीवर्ड पे देंगे, लेकिन जब आपकी खुद की वेबसाइट है तो आपको कीवर्ड पे दे देंगे, तो कीवर्ड पे ज्यादा नहीं बनाने होते अपने, लेकिन एक मतलब कुछ तो चाहिए होते ना, तो एक आध आप अपना इस तरीके से बना सको। ये होती है पीबीएन साइट आपकी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी पंकज ने मैसेज में रिमाइंड करवा रहा है मुझे, मुझसे मैं चीजें डिस्कस करता रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसके अंदर क्या होता है, जब आप मिसाल के तौर पर अब एक वेबसाइट नहीं चाहिए होती कि भाई एक वेबसाइट आपने मेन वेबसाइट है, एक एक वेबसाइट पीबीएन वेबसाइट बना ली, बड़ा जी तीर मार लिया आपने, आपने इसको लिंक दे दिया, रैंक हो गया, ऐसा नहीं होता। हर वेबसाइट के लिए अब उसके अपने ऊपर है, मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक कीवर्ड मुझे रैंक करना है अपनी वेबसाइट पे, अब उसके लिए मुझे कितने बैकलिंक्स चाहिए, अब ये चीज तो उसके कंपटीशन पे डिपेंड करती है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कम पीवीएन साइट्स बनानी पड़ेंगी मुझे, कुछ के लिए ज्यादा बनानी पड़ेंगी। स्मार्ट यही होता है, स्मार्ट आपका एटीट्यूड कि आप कीवर्ड्स ही ऐसे यूज करो जिनका इंटेंट भी ज्यादा हो और कंपटीशन भी लो हो, ताकि आपको कम से कम बैकलिंक्स बनाने पड़े। इसीलिए कहते हैं कि कीवर्ड जो है, कीवर्ड रिसर्च वही तो असल में जान है एसईओ की, समझ रहे हो, इसीलिए कहते हैं। अभी तक तो आपने ये जरूर सुना होगा 500 दफा, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आया होगा कि क्यों कहते हैं हर साइट में कितने आर्टिकल डालने पड़ते हैं। हाँ बताता हूँ, हर पीबीएन साइट में ना, हर पीबीएन साइट में कितने आर्टिकल डालने पड़े ये भी बताता हूँ एक सेकंड को। अच्छा अब क्या है, तो इसमें क्या होता है, आप हर इसको डोमेन को अलग प्लेटफॉर्म से रजिस्टर करो, अलग होस्टिंग रखो इसकी, हुइस प्रोटेक्शन लगाओ, हाइड माई बोल दूँ हाइड माई एस डॉट कॉम को पता ही होगा आपको, आईपी चेंज हो जाती है, अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बनाओ, ठीक है, मतलब हर वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करोगे अपनी पीबीएन की, तो आप अपना जो है वो, अगर क्रोम तो ना यूज करो, क्रोम गूगल प्रोडक्ट है तो उसको नहीं यूज करो, गूगल की प्रोडक्ट से दूर रहना है, वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनेगी, ब्लॉगर पे नहीं बना देना, गूगल से बहुत दूर रह के बनानी है पीबीएन साइट, समझ रहे हो, जीमेल आईडी नहीं यूज करनी, समझ रहे हो, ये चीज है प्रोटेक्शन, वो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है गूगल, तो आप उसकी वेबसाइट्स को यूज करते हो या उसके प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो, ब्लॉगर नहीं यूज करना, gmail.com वाली ईमेल एड्रेस नहीं यूज करनी, ठीक है, गूगल प्लस से बच के रहो, जरा अपनी पीबीएन वेबसाइट वहां पे नहीं ज्यादा फेंको, तो इन चीजों से बच के रहो। अच्छा उसके बाद क्या है, अब आप जब जो जो भी डोमेन खरीदोगे, जो भी होस्टिंग बनाओगे, उनको अलग अलग रखो, हर चीज को बिल्कुल अलग, समझ रहे हो, आपस में लिंक नहीं कर देना पीबीएन साइट को, पता लगा आपने सारी पीबीएन साइट आपस में लिंक कर दी और मेन वेबसाइट को भी लिंक कर दिया, वो गूगल के सामने खुल के आ गई सारी कहानी, ये खुद ही खेल रहा है, हर पीबीएन साइट अलग होगी, एक पीबीएन साइट दूसरी पीबीएन साइट को लिंक नहीं देगी, एक पीबीएन साइट दूसरी पीबीएन साइट को लिंक नहीं देगी, कभी भी अलग रहेंगी वो सिर्फ आपकी मेन वेबसाइट को लिंक देंगी, वो भी तरीके से, और ऐसा नहीं कि आपने पीबीएन साइट बना ली, अब आपका जो दिल कर रहा है आप उसके ऊपर अपनी मेन साइट एक ही साइट को लिंक दिया जा रहा हो, भाई मेरी मेरी वेबसाइट है, मेन साइट में हर आर्टिकल में उसको लिंक दिया जा रहा हूँ, एक आर्टिकल में 10 10 लिंक दे रहा हूँ, अबे भाई कोई जरूरत नहीं है, एक आर्टिकल में आपने एक लिंक दे दिया बहुत है, एक आर्टिकल में दो दफा देने की भी कोई मतलब, दे दो मैक्सिमम दो दफा दे दो, लेकिन ना तो मुझे तो अननेचुरल लगता है, जो चीज अननेचुरल लग रही है उसको नहीं करना,
दे दो, फिर उसके बाद दो तीन आर्टिकल और लिखे, फिर उसके चौथे में दे दो, इस तरीके से करके दो, ऐसे नहीं। और एक वेबसाइट से आपने एक दो लिंक्स ले लिए ना अपनी पीवीएन साइट से, वही एक दो लिंक के लिए होती है, समझ लो। मेन वेबसाइट पे एक वेबसाइट से आपने अपनी एक पीवीएन वेबसाइट से अपनी मेन वेबसाइट पे एक दो लिंक्स ले लिए, फिर इसके बाद उसका कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर आप दूसरी साइट बना लो, वो ज्यादा बेहतर है। तो आप पीबीएन को इंटरलिंक कर सकते हैं, बट वो बहुत कम। हाँ ठीक है, वो बड़ा नेटवर्क अगर आप बनाओगे, ठीक है, अब उसमें एडवांस चीजें वो जो पंकज बताएगा कि अगर सेफली कर सकते हो तो ठीक है, अच्छा। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे आप नहीं करोगे इंटरलिंक अपने पीबीएन को, अलग अलग क्लाउड्स बनाओगे ना, ठीक है। जैसे अब हेल्थ का था, मैंने सप्लीमेंट बेच रहा था, मैं हेल्थ के लिए अलग बनाया मैंने, अब चार पांच पीबीएन जितनी साइट्स मुझे चाहिए हेल्थ के लिए मैं उनको अलग बनाऊंगा। अब क्या है, अब मैंने बिजनेस पे वेबसाइट बनाई ना, मैं सब मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस की कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं बिजनेस नीच में फिर अलग पीबीएन बनाऊंगा। ऐसा नहीं करना कि हेल्थ के पीबीएन से बिजनेस को वो दे रहे हो। अब आप खुद सोचो ना, जिम में बॉडी बिल्डिंग की वेबसाइट मैंने बना ली है, बॉडी बिल्डिंग की वेबसाइट से मैं लिंक दे रहा हूँ किसको, अपना फॉरेक्स को। एक पीबीएन साइट से हम कितने साइट को बैकलिंक दे सकते हैं यार, इससे अभी आप एक एक करके चलो। वैसे अभी आपकी, अभी आप मेन वेबसाइट भी एक ही रखोगे तो आप जो है वो अल्लाह भला करे अपना एक मनी साइट बनाओगे तो उसके एक को ही फिलहाल अभी देना, फिर उसके बाद थोड़ा ग्रो करेगा, फिर उसके बाद आप मजीद को भी दे सकते हो, ठीक है। अभी लेकिन अभी फिलहाल अपनी एक वेबसाइट के लिए पीवीएन बनाओ, पहले पहले उसको करो ताकि आपको सही से समझ में आए, फिर उसके बाद जो है वो देखना कि हाँ यार एक वेबसाइट से आप वैसे दे सकते हो, दो को भी दे सकते हो, ठीक है। मैं दो से ज्यादा को रिकमेंड नहीं करता, जब तक कि आपका नेटवर्क बड़ा नहीं हो जाए। अच्छा ठीक है, अब स्टेप्स उंगलियों पे गिन लेते हैं। डोमेन खरीदनी है एक्सपायर्ड, उसको उसके ऊपर फ्री थीम बेशक आप यूज करो। अच्छा, अपनी सारी पीबीएन साइट्स पे अब छुपाने के तरीकों में मैं बता देता हूँ, सब पे सेम प्लगइन नहीं होगा। जैसे मैंने पांच पीबीएन साइट बनाई है तो मैं उन पांचों के ऊपर सेम प्लगइन्स नहीं यूज करूंगा वर्डप्रेस के, ये भी अपना एक एक इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, तो पता लग जाता है कि यार मिसाल के तौर पे गूगल देख रहा है मेरी मनी साइट जो है, मेरी जो मेन साइट है उससे पांच लिंक आए हैं, मतलब पांच वेबसाइटों से। अब वो उन पांच वेबसाइटों को जब देखेगा कि यार ये सारी वर्डप्रेस पे तो खैर है ही है, चलो वर्डप्रेस पे होने से मसला नहीं होता, लेकिन वो जो वर्डप्रेस था उनमें सेम प्लगइन्स यूज हुए हुए थे, तो वो भी एक अपना कोडिंग पीछे छोड़ जाते हैं, इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पे पकड़ हो सकती है, यहाँ गूगल समझ सकता है कि ये पांचों एक ही बंदा चला रहा है। कोई भी इस तरीके का प्रिंट नहीं छोड़ना, पैरों के निशान जो जो कहते हैं ना आपका, अपने वो नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। तो प्लगइन्स मुख्तलिफ यूज करो हर पीवीएन साइट के ऊपर, प्लगइन्स भी अलग होंगे उनकी, और जब भी उनपे लॉग इन करोगे अलग आईपी से लॉग इन करोगे, अलग आईपी से लॉग इन करोगे, ठीक है, अलग आईपी से लॉग इन करोगे। आर्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी वो पूछ रहा था अभी, मैं वो बता देता हूँ। देखो इसमें अगर बिल्कुल सेफ चलना है तो इस तरीके से होता है कि आप हर हफ्ते कम से कम एक आर्टिकल डालो, ठीक है, मतलब अगर बहुत सेफ चलना है आपने तो, फिर वो आपके ऊपर है। कोई लोग महीने में एक दफा डाल देते हैं, कोई 2 हफ्ते में, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बजट और अपने रिस्क लेने की उसके ऊपर होता ही है। वैसे अगर हफ्ते में एक दफा आप आर्टिकल डाल लेते हो तो बहुत सेफ हो जाती है चीज। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। एनालिटिक्स वेब मास्टर पे कभी नहीं डालना पीवीएन साइट को, पीवीएन साइट से आप कुछ कमा नहीं सकते, पीवीएन साइट को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, पता लगे उस पर एडसेंस लगा रहा पीवीएन साइट के ऊपर, पीवीएन साइट इन कामों के लिए नहीं होती ना, उस पर एफिलिएट लगाना है ना उस पर आपने एडसेंस लगाना है, एनालिटिक्स और बिल्कुल गूगल की हर प्रोडक्ट से दूर रहना है, गूगल की हर प्रोडक्ट को उससे दूर रखना है। यूट्यूब पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आवाज सही नहीं आ रही है, अच्छा आवाज सही नहीं आ रही, अरे यार कहाँ था मैं, हाँ जी गूगल की हर प्रोडक्ट से दूर रहना है आपने, ठीक है। और पंकज यार मुझे बताना जरा और क्या क्या, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो। हाँ पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि आप पता लगे आपने राइटर रखे हैं, आपने एक ही आर्टिकल, आपने आर्टिकल मंगवाया एक ही टाइम पे सबमिट डाल दिया, मतलब हर बुध को आप अपनी सारे पीबीएन साइट्स पे आर्टिकल डाल लो, या हम पीबीएन पर इन्फो लिंक्स डाल सकते हैं, मैंने मना किया है ना, मोनेटाइज नहीं कर सकते, थीम सेम नहीं यूज करनी, मोनेटाइज नहीं कर सकते लड़के, मोनेटाइज नहीं, मैं बोल रहा हूँ पीबीएन वेबसाइट पैसे कमाने के लिए नहीं होती, पीबीएन वेबसाइट से आप अपनी मनी वेबसाइट को अप करते हो, उसको उसके उसके कीवर्ड रैंक करते हो। असल में आपको अभी लग रहा है कि शायद क्या है, जब आप लोगों को असल में अंदाजा ही नहीं है कि जब कोई ढंग का कीवर्ड रैंक हो जाता है तो उसके कितने पैसे मिलते होते हैं, इसलिए आप लोगों को शायद अभी लग रहा है कि यार अरे पीबीएन साइट पे क्या कुछ कमा नहीं सकता मैं। भाई कभी कीवर्ड तो रैंक करो, देखा मैंने दिखाया ना स्टार्ट में ही कि गुरुओं का कोई कीवर्ड रैंक नहीं है फिर भी उनके घर चल रहे हैं, तो जब आप कीवर्ड कोई रैंक करोगे बेशक कुछ छोटे मोटे से भी हो तो आप सोचो कि क्या इसमें है और क्या नहीं है रेवेन्यू, उसका आरओआई बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है।
सबको क्लियर हो गए किस तरीके से इसमें, अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ना कि क्या क्या चीजें करनी है कि गूगल को ना पता लगे कि हमारा पीबीएन है, वो मैं गिनवा चुका हूँ वैसे तो, मैं उसका लिस्ट भी भेज दूंगा, ठीक है, पंकज लिख के भेज देगा, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में लगा लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पीबीएन होता है। अब पीबीएन को आपने रेगुलर अपनी साइट की तरह ही चलाना, जैसे आपकी वेबसाइट नॉर्मल होती है, बस के अंदर ये कि उसके अंदर पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, जाहिर सी बात है आप रोजाना तो नहीं लिखोगे उसके ऊपर बैठ के, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर आप कोई कीवर्ड टारगेट नहीं कर रहे होगे, आपको रैंक नहीं करने होने देनी वेबसाइट गलती से, बड़े बड़े कीवर्ड्स पे लिखो लिखवाओ लोगों से जो कभी रैंक ही नहीं हो सारी जिंदगी आपसे, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आपने उसको लेके चलना है। और पीबीएन साइट्स पे बैकलिंक बनाने की जरूरत वैसे नहीं होती, जब आप ले लेते हो अपना उसके पहले से पीएडी होता है तो उसके ऊपर, हाँ लेकिन वो टायर टू टायर थ्री बैकलिंकिंग होती है उसको भी रहने दो, वो फिर अभी बहुत लंबी हो जाएगी बातचीत, ऐसे 9:30 बज गए, ठीक है। तैमूर को कॉल करो, एंड होस्टिंग आईपीस भी अलग हो, अच्छा हाँ ये आईपी और होस्टिंग मैंने बता दिया ना सारा, आईपी अलग हो हर दफा जब भी कनेक्ट करो, कितना पीएडीए होना चाहिए, अभी आपके बजट के ऊपर है, जेब के ऊपर है, या आपकी सर्चिंग के ऊपर है, अभी ये आपको बताएगा हमारे मेहमान खसूसी भाई जो है हमारे, मैं उनको प्रेजेंटर बना दूं, अच्छा जी पीबीएन का आप लोगों को क्लियर हो गया सीन किस तरीके से, अबे ये कीवर्ड रिच डोमेन कौन सी होती है भाई, नईम यार आप नईम को, यार नईम को मैसेज करो, बोलो तुम रिकनेक्ट होने की कोशिश करो, तैमूर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, अभी किस तरीके से होगा प्रेजेंटर, हेलो, हेलो जी तैमूर आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, आ हाँ हाँ जबरदस्त मेरी स्क्रीन स्क्रीन जी बिल्कुल, शेयर है? जी बिल्कुल आ गई, आ गई। चलो, मेरे काम था वो ये था कि मैंने आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में बताना था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन्स, ये मैं वेबसाइट का यूआरएल आपको बाद में सेंड कर दूंगा, एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट है, ठीक है। इसमें आप जाते हैं, आप अपना लॉगिन अकाउंट बनाते हैं, उधर आप डिलीटेड डोमेन्स डॉट कॉम पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो ये आप, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर आपको एक्सपायर्ड या डिलीटेड डोमेन्स मिलती हैं जिनका डीएपीए पहले से हाई होता है, ठीक है। जिस जिस जिसको आप अपनी पीबीएन की साइट के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आप यहाँ से शो फिल्टर्स में जाते हैं, वहां पे जाके आप जो फिल्टर्स लगाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने काफी देर रिसर्च की थी, फिर मुझे पता चला था, पहले मैं ऐसे ढूंढता रहता था, अगर आप ऐसे ढूंढेंगे तो आप पूरा दिन लगे रहेंगे, आपको मिलेगी कुछ मतलब बीच में से अच्छी डोमेन नहीं मिलेगी। आप नो फेक पीआरस, नो अनश्योर पीआरस और नो पेज रैंक -1, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम मिनिमम पेज रैंक जो है वो भी आप 0 करें, ठीक है। ओनली न्यू न्यू लास्ट 24 आवर ये वाली डोमेन्स करनी है, चेक इन करना है, और ओनली अवेलेबल डोमेन्स, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं फिल्टर्स, उसके बाद अब आपने एसटीए का आ रहा होगा, आपने एसटीए के ऊपर क्लिक करना है इस तरह। अब ये डी अब इसका डीए डोमेन अथॉरिटी 45 है और पेज अथॉरिटी 33 है, ठीक है। कभी कभी गलत दे रहा होता है यहाँ पे, मतलब ये जो ये प्लेटफॉर्म है एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट, इसमें गलत दे रहा होता है। इसको चेक करने के लिए हमने ये वाली वेबसाइट यूज करनी है, इसका भी यूआरएल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और एक हमने इसका साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो डोमेन डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी और ये सारा कुछ क्या, 1 मिनट, जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी ये दोनों चीजें अगर आपकी 20 या 25 में के दरमियान होती हैं, ठीक है, बस ठीक है। मतलब आप कह सकते हो आप पीपीएन साइट बना सकते हो, ठीक है। अगर ये 25 से 45 तक होती है तो वेरी गुड है, ठीक है। और अगर ये 45 से 100 तक होती है तो बल्ले ही बल्ले हैं, ठीक है। ये मैंने पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताया था, अब मैं पेज रैंक के बारे में बताऊंगा। और पेज रैंक पहले बहुत ज्यादा काउंट होता था, अब इतना ज्यादा नहीं होता।
ये 1 से लेके 4 तक होना चाहिए, ये गुड होगा। और अगर आपका 4 से लेके, ये 1 से लेके 10 तक होता है टोटली, ठीक है। अगर आपका 4 से लेके 6 तक है तो वेरी गुड है, और अगर आपका 7 से लेके 8 तक है तो एक्स, ठीक है। अगर हम ट्विटर का चेक करें वो 10 हमें पेज रैंक देता है, वैसे मेरे ख्याल से मैंने चेक नहीं किया, 9 है या कुछ है, 8 है, इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो आता। साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो चेक करने के लिए हम लोग majestic.com यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें एक डोमेन डाली थी जो कि मैंने इधर से पिक किया है, ये वाली डोमेन, ठीक है, ये वाली यहाँ से कॉपी करके मैंने इसमें डाली। ट्रस्ट फ्लो 1 आ रहा है और साइटेशन फ्लो 25 आ रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की डोमेन हम नहीं लेंगे, ठीक है। कौन सी वाली लेंगे? वो वाली लेंगे जिसका साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो मतलब करीब करीब हो, और दोनों 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो, वो वाली हम लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक ये फैक्टर काउंट करेगा इसमें, मतलब अब फॉर एग्जांपल एक डोमेन है उसका ट्रस्ट फ्लो 7 है और साइटेशन फ्लो 18 है, तो वो मतलब वो फिर भी थोड़ा करीब है, ये तो बहुत ही दूर है ना, 100 तो बहुत ही दूर है। तो अगर 7 एंड 18 बोलने के बारे में सोच सकते हैं, मगर वो 7 है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप 10 से नीचे वाली लें, मगर फिर भी हम आप स्टार्टर हैं, आप कर सकते हैं, 10 से 18 वाली आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर 11 और 19 है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 11 और 19 है तो वेरी गुड है, ठीक है। आप अगर 25 और 26 आ जाता तो ले वेल एंड गुड हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम एंकर टैक्स पे आते हैं। एंकर टैक्स क्या होता है? एंकर टैक्स होता है जो साइट्स को जिस इस डोमेन को कौन सी साइट लिंक दे रही थी पहले, ठीक है। एंकर टैग हम लोग हमेशा इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। ये अब चाइनीज है, जापानीज है, ये चाइनीज का अपना सर्च इंजन है, इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब वो गूगल चाइनीज नहीं यूज करते, गूगल उनका अपना सर्च इंजन है, मेरे दिन से नाम निकल गया, वो यूज करते हैं। तो अब इसके एंकर टैग्स है जापानीज ही हम नहीं यूज करेंगे, एक पोर्नोग्राफी वाली और ये वाली वाइन वाली, इस तरह करके जिनके ये एंकर टैक्स हैं और जो ये ने बैक लिंक्स दे रहे हैं, ये वाली हम लोग यूज नहीं करेंगे। और अगर आप DAPA कभी कभी ये भी देता है, एक्सपायर्ड मेन डॉट नेट वाला 4533, ये कभी कभी फेक भी देता है, तो हम इसे इस वेबसाइट पे moz.com पे आके चेक कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि क्या ये वही है या कितना का फ्लक्चुएशन है इसमें। दैट्स ऑल, यही सारा कुछ था फराज भाई, जी भाई हो गया। यार, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम भी लगाया हमारे साथ और आपने बता भी थैंक दिया। यू, थैंक यू, कोई बात नहीं। अच्छा जी यार, ये तैमूर भाई ने हमको कुछ स्क्रैपिंग का बताया। अच्छा, बहरहाल इसमें मैं अपना पर्सनल भी बता दूं, क्योंकि इसमें ना टाइम भी लगता होता है थोड़ा और कुछ एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप जैसे तैमूर भाई जो है वो खुद भी डील भी करते हैं इस काम के अंदर ना, मतलब ये कि मेरे ख्याल से, मुझे अभी कंफर्म नहीं है वैसे, शायद इन्हीं का जिक्र किया था। तो आप किसी और से भी जो स्क्रैपिंग करते हैं उनसे आप डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। तो आपको ये कि थोड़े से बक्स ऊपर लगेंगे, थोड़े से पैसे ऊपर लगेंगे, लेकिन फिर ये है कि आपको टाइम भी बच सकता है। और इस तरीके से तो मतलब आपके पास हर चीज में टाइम बचाने का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें आपके पैसे लगते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई हाई लेवल पे काम कर रहा है अगर, तो वो जो है वो इन चीजों से थोड़ा सा वो करता है, अपना टाइम बचाता है। और वो करता है कि भाई यार, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे नहीं आया अभी स्क्रैपिंग में, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अच्छी डोमेन्स नहीं अभी निकाल पाता। तो मैं, और तो क्या है कि मैं उसमें सोचता हूँ कि मैं बजाय इसके कि मैं इसमें टाइम ज्यादा स्पेंड करूँ, मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं अच्छा लिखने में टाइम ज्यादा स्पेंड करता हूँ। समझ रहे हैं आप इन चीजों को? मैं डेवलपर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बहुत थोड़ी सी डेवलपमेंट आती है, तो मैंने डेवलपर रखा हुआ है अपने पास, तो वो काम करता है। तो हर किसी को अपने हिसाब से और ऑप्शंस पता होने चाहिए। अच्छा जनाब, अब क्या हो गया, अब ये था हमारा पीबीएन। ओके, ये हमारा पीबीएन था, ये आप लोगों को समझ में आ गया अभी पीबीएन किस बेसिक्स पे काम करता है और डोमेन निकालते हुए क्या चीजें करनी चाहिए और
जो है वो किस तरीके से आपने पीबीएन को चलाना है, हर हफ्ते आपने आर्टिकल देने हैं या कुछ देना है, ठीक है। इसमें इसमें लगेंगे थोड़े से पैसे, थोड़े से ज्यादा पैसे, हर डोमेन के अपने पैसे होंगे और आर्टिकल आप लिखवा रहे हो हर हफ्ते। अब मैं आपको बताऊंगा जो के दूसरा तरीका है हमारा, एक थोड़ा इसको समझ लो कि थोड़ा गरीबों वाला पीबीएन बनाने का ये, लेकिन बहुत पावरफुल पीबीएन है ये, बहुत पावरफुल पीबीएन है। इसमें हम बनाते हैं वेब 2.0 पे पीबीएन। किस पे बनाते हैं? वेब 2.0 पे पीबीएन बनाते हैं हम लोग। अच्छा, वेब 2.0 पे पीबीएन कैसे बनता होता है भाई? वही तरीका है, आपको डोमेन्स चाहिए एक्सपायर्ड, लेकिन हम ये बनाते हैं टम्बलर पे। सही। अच्छा जनाब, अगला अगला वेबिनार, अगला वेबिनार कह रहा हूँ, अगला जो पीबीएन है हम लोग वो बनाते हैं उसको टम्बलर पे। और टम्बलर्स में क्या होता है, टम्बलर्स में भी हम एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते हैं, ठीक है। वो आप खुद भी स्क्रैप कर सकते हो, या इसी तरीके से आपको फेवर पे लिंक्स दे देंगे कि जो लोग बेचते हैं वो ज्यादा अच्छे कम रेट्स में आपको मिल जाती है, जिनका पीएडीए बहुत हाई होता है। आपने 5 से 10 टम्बलर आपने सेट किए अपने हिसाब से, ठीक है। आपने 5 से 10 टम्बलर आपने अपने सेट किए, और उसके बाद जो है उनमें क्या होता है, उनमें आपको रेगुलर आर्टिकल नहीं लिखने पड़ते इस तरीके से, जिसपे जैसे कि आपको ऐसा थीम लगाने की जरूरत नहीं है, और भी वर्डप्रेस पे इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। टम्बलर आप लोगों ने यूज किया है? अच्छा, टम्बलर जो है वो, यार चैटिंग बंद करो भाई, तुम लोग टम्बलर नहीं यूज किया? टम्बलर यार, टम्बलर भी एक ब्लॉगिंग, एक माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो तो नहीं कह सकता मैं उसको, माइक्रो ब्लॉगिंग तो खैर ट्विटर है, ये टम्बलर है यार। इस पे ब्लॉग बनाते हैं आप, जैसे ब्लॉग ब्लॉग स्पॉट का तो पता है ना, ब्लॉगर का। हाँ, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये तकरीबन तकरीबन वैसा ही है। इसमें ब्लॉग बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन आप इसको ऐसे साइन इन करो, आपको फॉरन ठग करके ब्लॉग दे देगा भाई। अब इस ब्लॉग क्या है, ये वेब 2.0 वेबसाइट है, इसका पीएडीए बहुत ज्यादा होता है, इसका पीएडीए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका सॉरी पीए नहीं, इसका डीए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप क्या करो, आप एक्सपायर्ड खरीदते हो ये अकाउंट्स इनके, ठीक है। आप इनके एक्सपायर्ड अकाउंट्स खरीदते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, आप दो तीन, जैसे वही हमारा पीवीएन का तरीका है, उसमें क्या है, दो तीन आपने इधर उधर की पोस्टें शेयर की, चौथी अपनी कर दी। तो ये गरीबों का पीवीएन, इसके अंदर सिर्फ डोमेन का खर्चा, डोमेन भी सस्ती मिलती है बहुत, फेवर पे मैं आपको गिग दूंगा, एक बंदा है बहुत मशहूर, वो बेचता है और बहुत अच्छे उसके रेट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। वेब 2.0 एक्सपायर, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर तो, और इतना जबर, इतना पावरफुल तरीका है ये कि आप हैरान हो जाओगे। मैं यही हंस रहा था जब मुझे ग्रुप पे कह रहे थे पीबीएन न्यूबीज क्या करेंगे, अबे भाई ये तो न्यूबीज क्या, ये तो कोई भी कर सकता है जिसके पास कंप्यूटर है, इसमें तो इतनी कम इन्वेस्टमेंट है, और आपका कीवर्ड अच्छे रैंक हो जाएंगे, मतलब जो आपने कीवर्ड्स चूज किए हैं वो ऐसा नहीं, अब आप बोलो मैं फॉरेक्स को रैंक करूंगा, मतलब जैसे हमने बताया तो बहुत अच्छा, और इससे आप अपनी यूट्यूब की वीडियोज भी रैंक कर सकते हो, समझ रहे हो। इससे आप अपने और ब्लॉग्स का, मतलब आप सोचो ना, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाने का झंझट, और ये टम्बलर कुछ भी नहीं, बेचारा बहुत ही शरीफों वाला है, ठीक है। हाँ, वेब 2.0 स्क्रैप बॉक्स से भी होती है, बहुत सारी चीजों से होती है, वो कोई मसला नहीं है स्क्रैपिंग का, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है हमारा गरीबों वाला पीबीएन। अब इसमें तो बहुत कम झंझट हो गया, इसमें सिर्फ क्या है, आपने हर आईडी अपनी अलग आईपी से अलग, और अपना हिस्ट्री उड़ा के मोजिला यूज करो, उसको ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, और उसको जो है वो हिस्ट्री उड़ा के हर आईपी से यूज करनी है, और इस पे कोई पोस्टिंग शोस्टिंग के आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें शेयर कर लो, रीब्लॉग कर लो हफ्ते में एक दो दफा, दूसरा रीब्लॉगिंग, ये इसको सीखोगे बहुत आसान है, ठीक है। इसको इसको सीखोगे बहुत आसान है। टम्बलर यार, मैं आपके सामने क्या करूं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरा पर्सनल किस पे था, इसमें आईडी सेव नहीं है ना, ना मेरे आईडी का वो है, अभी मैं खोल के इसको नहीं दिखाता, बहरहाल। लेकिन ये है कि बिल्कुल आप इस पे बनाओगे, वो आपको सामने ही क्रिएट अ ब्लॉग का ऑप्शन देगा, बिल्कुल ब्लॉग स्पॉट जैसे ही है, ब्लॉग स्पॉट से भी बहुत आसान है, ठीक है। तो इस पे बनाओ, आप इसको यूज करो, और अपनी डोमेन्स खरीद के अपनी जो जिसको रैंक करना मर्जी करो पीबीएन, ये आपका, इसको वेब 2.0 का पीबीएन कहता हूँ, गरीब लोगों वाला पीबीएन मैंने इसका नाम रखा है, और इसमें आप देखो, आप इतना आराम से आप अपनी चीजों को रैंक कर सकते हो। क्या करना है, फिंगर टिप्स पे स्टेप गिनवा देता हूँ, फेवर की गिग दूंगा, मेरी गिग नहीं है वो, आप बोलो मेरी है या पंकज की, उसको भाई जाके दे, अभी हर कोई इसी इंतजार में, हर कोई तो नहीं, बहुत सारे लोग इसी इंतजार में, कब मैं या पंकज पैसे मांग ले, ठीक है। मर्जी है, खुद स्क्रैप करके निकाल लो अगर निकाल सकते हो तो, नहीं हम वरना हम गिग दे देंगे, देख लेना उसको, ठीक है। कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां से जाके मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, वो खुद देख लेना, पता नहीं कौन से मुल्क है, ठीक है। अच्छा, उसको फाइवर से जाके आप उससे डोमेन्स खरीद सकते हो, ठीक है, बहुत सारी डोमेन्स मिल जाएंगी बहुत सस्ते में। ठका ठक टम्बलर पे अकाउंट बनाओ, ठीक है, उस पे, इस पे टम्बलर पे ब्लॉग बनाना कोई मसला नहीं है, टेम्पलेट आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे सारी चीजें, वैसे आप लगा भी सकते हो,
बिल्ट इन मिल जाएंगे। अपने डोमेन के लोगों को सर्च करो थोड़ा सा, थोड़े से लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो, और उनके ब्लॉग जैसे शेयर होता है ना फेसबुक पे, वैसे इसमें रीब्लॉगिंग होती है, इसको रीब्लॉग कहते हैं। आप उनकी पोस्ट शेयर मेयर करो, 3 से 4 करो, वैसी PADA तो हो गई उनका है, और उसके बाद 4-5 के बाद अपना लिंक दे दो, खटाक खत्म हो गई बात। आपको इतना बेहतरीन बैकलिंक मिल गया आपका, पका पकाया। और बोलो मेरे भाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे? ठीक है, ये वेब 2.0 का था, ये आप अपना नेटवर्क बनाओ मजेदार। जी बिल्कुल, वाह वाली बात है, बड़ा आसान है, पहले इसी से शुरू करो, इसी से शुरू करो बेशक, पहले देखो इसकी पावर देखो, फिर हमें बताना कि मजा आया या नहीं आया। यहाँ पे एक बंदा ऐसा भी है जो ये कर चुका है, और पंकज ने उसको बताया था, और वो बंदा कर भी चुका है, आप उससे पूछो, बेशक खुद ट्राई करो। सामने की चीज है, देखो एक चीज का फॉर्मूला पीछे सब सब कुछ समझ में आ गया ना, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए अब कि कौन सी चीज वर्क करेगी कौन सी नहीं। मुझे उम्मीद है 1.5-2 घंटा हो गया मुझे देवेंदर ने किया हुआ, वेरी नाइस देवेंदर, सही कह रहा हूँ फिर मैं? जाहिर सी बात है मतलब। अच्छा तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, अभी कम से कम आप लोगों को कोई उल्लू नहीं बना सकता इस फील्ड में, ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ जी, चलो अब आप लोगों ने आगे भी नहीं बनने देना लोगों को उल्लू, हम तो बैन हो गए हर जगह से, मैं और पंकज हमें तो हर जगह से निकाल दिया है। आप लोगों ने किसी को उल्लू बनते देखो उसको बोलो भाई नहीं, अपना टाइम वक्त जाया कर, पैसे जाया कर, इंसानों की तरह इतना कुछ। यार मुझे एक बंदा कह रहा है क्यों बैन किया आप लोगों को, तो मुझे बताओ ना यार, इस चीज इसका 10% भी नहीं सिखाते और 50-50 हज़ार रुपए ले लेते हैं, ठीक है, इसका 10% भी नहीं सिखाते, और यहाँ पे मैंने पूरे A से लेकर Z तक सारा आपको खोल के बता दिया फ्री में, तो फिर जाहिर सी बात है बैन ही होंगे, और क्या होंगे कहाँ रखेंगे गुरुदों में। अच्छा जनाब, यहाँ पे जनाब हम, अच्छा और इस चीज को याद रखना भाई, आपका YouTube का भी सुन लो यार, YouTube में अगर आपको YouTube पे भी आर्टिकल लिखना होता है, आपको पता है आप जब वीडियो डालो उसके अंदर 200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो कम से कम। जी SEO एक दिन में सीख लिया आपने जनाब, 2 घंटे के अंदर अपनी एक वेबसाइट पर कर लें तो क्या सीन होगा? अपनी देखो आप अपनी वेबसाइट पे कितनी मेहनत करोगे, वेबसाइट पे तो मेहनत करोगी, जो मेहनत करोगे वो ऑन पेज कहलाएगी, ये तो ऑफ पेज है। इसके ये नहीं समझना कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज पूरी कर लोगे तो आप रैंक हो जाओगे, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, ये नहीं कर इस आप वैसे जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछ लो, मैं कर चुका हूँ ये। गिल यार 1 मिनट सब्र करो, ये SMO का लेक्चर नहीं है मेरे भाई, FB पेज का मैं आपको कैंपेन्स बता दूंगा बाद में, लेकिन ये अभी है सोशल मीडिया का नहीं है, ठीक है लेक्चर। अच्छा अभी क्या रह गया हमारे पास, वीडियोस का मैं बता रहा था, जहां भी अपनी वीडियो शेयर करो उसके नीचे 200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा करो। हाँ जी ग्रुप का भी बता देते हैं यार गिल। अच्छा जी हाँ ग्रुप का बता देंगे, एक सेकंड यार मुझे बोलने दो, मैं भूल रहा हूँ वैसे ही 2 घंटे से बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा क्या कह रहा था मैं, वीडियोस को रैंक कराना यूट्यूब की बड़ी आसान सी टिप है, सुन लो इसी PBN से कर सकते हो, इसी एक सेकंड रुकना जरा। यार मुझे पानी पिलाना। अच्छा इसी PBN से, वेब 2.0 के PBN से अपनी YouTube की देखना आप कैसे गूगल के सर्च में आएंगी, गूगल के सर्च में आपकी YouTube की वीडियो आएगी आपके कीवर्ड पे, सुनो कैसे करोगे। अव्वल तो ये है कि उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो उस डिस्क्रिप्शन को 200 वर्ड्स का लिखो आर्टिकल, आप समझ रहे हो वर्ड काउंट, 200-250 वर्ड्स का आर्टिकल वेबसाइट पे लिखने का नहीं होता, यहाँ लिखने का होता है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में 200 वर्ड्स लिखो, ठीक है, कीवर्ड जैसे आर्टिकल लिखते हैं वैसे ही लिखो, पहली बात। दूसरी बात उसमें टैग्स यूज करो, टैग्स यूज करोगे अपने से रेलेवेंट 3-4 टैग्स यूज करो, और जो उस फील्ड में जो अथॉरिटी है उसका नाम भी टैग्स में यूज कर लो, इससे क्या होगा उस बंदे की कोई वीडियोस देखने जाएगा आप भी सजेस्टेड वीडियोस में आ जाओगे, ये एक टिप है इसको सुन लो, सही है, अगर किसी को नहीं पता तो उस चीज को यूज करे। मिसाल के तौर पे हेल्थ पे मैं जा रहा हूँ तो मैंने हेल्थ पे देख लिया कि हेल्थ पे कौन सा बंदा ऊपर आता है मेरे कीवर्ड पे, या कोई भी कीवर्ड है जो जो यूट्यूब पे अथॉरिटी बना हुआ है उस कीवर्ड की, आप उसके चैनल का नाम अपने टैग्स में डाल दो, ठीक है, तो आप उसकी सजेस्टेड पोस्ट में आओगे। अच्छा ये करो, और उसके बाद अपने जो टम्बलर का नेटवर्क है अपने टम्बलर के नेटवर्क पे उसको यूट्यूब की वीडियो को आप रीब्लॉग करो, अलग अलग डिस्क्रिप्शन देके बेशक करो, ज्यादा हाई लेवल का काम करना अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे देके करो, देखो आप 5 से 6 के वो दो उनको, और वैसे तो कीवर्ड के हिसाब से होता है लेकिन हो जाएगा जैसे आप नॉर्मल कीवर्ड यूज कर रहे हो, देखो आप गूगल के उसमें आपकी यूट्यूब की वीडियो आएगी। और बोलो भाई
और क्या करना है? अच्छा, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन फर्दर। देखो, मोनेटाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं। मोनेटाइजेशन स्मार्ट लोगों का काम है, जो जाहिल, सॉरी जाहिल नहीं, लेकिन कभी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। अच्छा, जो क्या कहते हैं उसको, क्या जाहिल का कोई ऑल्टरनेट, जिनको कम नॉलेज नहीं होती, वो मैंने बता दिया था स्टार्ट में, वो अपने वो एडसेंस को के हवाले कर देते हैं अपना 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 सारा काम। ठीक है, आई कैन डिलीवर यूट्यूब। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो तरीके के लोग होते हैं वो उनको खुद मोनेटाइज करना, स्मार्ट लोगों का काम है इसको मोनेटाइज करना, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ क्लिक बैंक और अमेजोन नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हम आपको देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी हम आपको बता देंगे। एफिलिएट्स, आप खुद भी एफिलिएट्स पकड़ सकते हो यार। आप अगर किसी नीश में लिख रहे हो, आप उसमें जाके देखो कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट बेच रही है, उनसे बात करो, जाके भाई हम आपके प्रोडक्ट रखते हैं। ठीक है, हगिंग हिडल स्टोन डॉट टम्बलर, ये टम्बलर की एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और बिल्कुल न्यूबीज जो हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ, आप सीपीएल पे काम करो। सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, मतलब ये कि आपको सिर्फ फॉर्म फिल कराने होते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचनी होती, सिर्फ फॉर्म फिल कराने पे आपको काफी सारे मिल जाते हैं पैसे, और वो एडसेंस से फिर भी ज्यादा होते हैं, लोएस्ट लेवल है ये। वो भी आपको उसको अलग से फिर उस पर कुछ करेंगे इनशाला आपको बताने की, बिल्कुल, जो न्यूबीज, उनका ब्लॉग भी, उनको रैंक करना भी आसान होता है, और सारी चीजें होती हैं। अच्छा जनाब, और क्या रह गया, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज का मैंने आपको बता दिया। मैं रैंक हुआ हूँ, नईम एक रैंक हुए थे जी, बिल्कुल। नईम को पंकज ने गाइड किया था, ये कीवर्ड इनका स्टक हो गया था, और सिर्फ टम्बलर और ब्लॉग स्पॉट से। जी जनाब, लाइव एग्जांपल आ गई आपकी, और इनको गाइड किया था, और ये अपना इन्होंने कीवर्ड को रैंक किया। चलो जी, ये अभी आपके सामने एग्जांपल। नईम, बहुत शुक्रिया इसको इंडोर्स करने के लिए। अच्छा जनाब, लैंडिंग और कन्वर्जन पेजेस होते हैं। ठीक है भाई, वो आप, वो मैं नहीं देखता, कोई भी नहीं बनाता हमारे यहाँ तो, बहुत कम लोगों की, हालांकि बाहर वालों ने बना बना के घिस दिए, यहाँ वालों को कभी तक शुरू ही नहीं हुए। ये लैंडिंग और कन्वर्जन पेजेस ऐसे पेजेस होते हैं, मिसाल के तौर पे जब आपकी पूरी वेबसाइट है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने लोगों को घेर लिया, आपने यूजर बना लिया, ऑडियंस बना लिया, अब जो प्रोडक्ट है भाई, उस पे एक एक आपका पेज बनता है जिसमें उस प्रोडक्ट की खसूसियात होती है। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स के पेजेस बहुत सारे देखे होंगे दूसरों की वेबसाइट पे, खुद कभी नहीं इस्तेमाल किए होंगे, ना किसी सिखाने वाले को देखे होंगे। ठीक है, तो जब आपने देखा ना, वो एक लंबा चौड़ा सा पेज होता है जिसमें उस प्रोडक्ट की सारी खसूसियात होती हैं, तो फिर उसके अंदर फलाना ढमकाना सारी तारीफ है, ये एक लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज बनाना एक आर्ट है, इसको पूरा सीखना पड़ता है कि कैसे आप एक हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाते हो। ठीक है, इसके ऊपर हम मजीद डिटेल हम भी शेयर करेंगे, आप खुद भी अपना सर्च करो, उसको सीखो लैंडिंग पेज बनाने को, अपनी वेबसाइट में लैंडिंग पेजेस डालो। और जहां ऊपर ईमेल कलेक्शन की बात की थी ना, तो मेलचिम को आप यूज कर सकते हो, 2000 तक फ्री साइनअप्स देता है, यानी 2000 लोगों के आपको ईमेल पकड़ के दे देगा ये, मतलब वो कर लेगा, उसके बाद फिर आप लोगों को ईमेल पे सर्विस खरीदनी पड़ेगी, इसलिए स्टार्ट में बोला था पैसे लगेंगे इसमें। ठीक है, पैसे लगते हैं हर काम में। अच्छा, एक एडवांस्ड, यार पंकज वेब सिलोइंग भाई प्रेजेंटर बना दूं आपको, आप वेब सिलोइंग बता दो यार, मैं बहुत थक गया हूँ। पंकज क्या आप इधर हैं? पंकज नहीं है यार, चलो वेब सिलोइंग भी बता देता हूँ मैं। ये एडवांस लोगों के लिए रखा था, एडवांस लोग सुन लें। सेलो स्ट्रक्चर, पंकज आ गया यार, पंकज हेलो यार, पंकज आप सेलो स्ट्रक्चर बता सकते हैं प्लीज? हेलो पंकज, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा नहीं ख्याल वो बता पाएंगे, अभी उनका नेट का भी मसला चल रहा है। चलो खैर, मैं बता देता हूँ। देखो यार, एक बहुत ही एडवांस मेथड है अपने कीवर्ड्स को रैंक करने का। अब इस वेबसाइट को देखना, देखो हम लोग ऐसा है कि एक तो आपने अपने कंटेंट से अपने कीवर्ड रैंक करने की कोशिश की, ऑन पेज से, ऑफ पेज से, फलाना ढमकाना, लेकिन सबसे ज्यादा पावर जो आपके कीवर्ड को कोई चीज दे सकती है, वो आपका कीवर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है कि ब्लॉग स्पॉट भी असल में अच्छा ही है, टम्बलर ब्लॉग स्पॉट भी अच्छा है, लेकिन टम्बलर और वीबली के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। ब्लॉग स्पॉट गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल की प्रोडक्ट से दूर रहना है इन कामों के लिए। ठीक है, वही फॉर्मूला है, वरना है तो ब्लॉग स्पॉट भी वही सेम चीज है। ठीक है,
मैं 24 आवर्स में टॉप 5 में आ गया था। चलो जी हो गया काम। सर जी प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग बना देना, लिंक उसका दे देना। अच्छा जी इधर देखो, वेबसाइट स्ट्रक्चर एडवांस लोगों के लिए, वेबसाइट बनानी कैसे है। देखो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना होता है, इसको सेलर स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। आपने एक कीवर्ड चुन लिया अपने टॉप का, मतलब जो आपका मेन कीवर्ड है, जिसकी सर्चेस बहुत ज्यादा है, जिसको रैंक करना मुश्किल है बहुत, जो अच्छा कीवर्ड है, इस बंदे ने अपना ब्रांड नेम ही चुन लिया, कॉपी ब्लॉगर। अब देखो इसने क्या किया है, इसने स्टैटिक पेजेस बनाए हुए, इसने स्टैटिक पेजेस बनाए हुए इन ये कीवर्ड्स हैं इसके ना, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, एसईओ, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कीवर्ड। कैसे बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं। इसने क्या किया है, इसने हर कीवर्ड पे एक पेज बनाया, स्टैटिक ब्लॉग नहीं, एक स्टैटिक पेज बना के उसको होम पेज से कनेक्ट किया हुआ, हर हर की हर अपने कीवर्ड को, जो इसके बाकी एक तो मेन कीवर्ड है, अब इसके बाद इसको सेकेंडरी कीवर्ड्स कह लो, या कहना तो नहीं चाहिए इनको सेकेंडरी, बहुत बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, ठीक है। देखो कंटेंट मार्केटिंग में मैंने क्लिक किया, अब इसने ये एक स्टैटिक पेज है, इसने इस पर कॉन्टेंट डाला हुआ है, अच्छा सा मेरे ख्याल से इसने वीडियो कॉन्टेंट डाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये कॉन्टेंट डाला। अब इसके बाद इसने क्या किया, अब ये अब इसका ये ब्लॉग अलग से बना हुआ है। अब जब भी ये ब्लॉग में कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से कोई पोस्ट बनाता है ना जबरदस्ती, ठीक है, मतलब जो हर पोस्ट जबरदस्ती होती है, अब तक ये बात समझ आ चुकी होगी आपको, ये अपने को उस पोस्ट में से इंटरलिंक कर देगा इस पेज को, ठीक है। ये पेज इंटरलिंक हुआ हुआ इसके मेन कीवर्ड से, जो के है कॉपी ब्लॉगर, ठीक है। अब क्या है, अब जब ब्लॉग पे लिंक, एक पोस्ट बनाई आपने, एक ब्लॉग आपने लिखा, एक पोस्ट बनाई, उस पर आपने इतनी मेहनत की, आपने आपको इतना लिंक जूस मिला, आपने सारी टेक्निक्स अपनाई, वो सारा का सारा लिंक जूस ट्रांसफर होके सारा का सारा किस कीवर्ड पे जा रहा है, इसके जो जो कीवर्ड है, जो सेकेंडरी कीवर्ड है, यानी कंटेंट मार्केटिंग है या ईमेल मार्केटिंग है या जो भी इसने होम पे लिखे हुए हैं जिससे लिंक किया, और फिर वो कीवर्ड वो आगे लिंक जूस ट्रांसफर होके जा रहा है कॉपी ब्लॉगर पे। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कीवर्ड रैंक करने की। मिसाल के तौर पे मैं उसी से आपको एसईओ से दूं, जैसे मुझे अगर एसईओ रैंक, एसईओ पे रैंक करने की कोशिश करने की गलती नहीं कर देना, एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा कीवर्ड है यहाँ पे, मैंने लिख दिया जी एसईओ, समझ रहे हो, यहाँ पे मतलब मैंने अपना मेन कर दिया एसईओ का। उसके बाद मैंने स्टैटिक पेजेस बना के, स्टैटिक पेजेस में मैंने लिख दिया जी ऑन पेज, ऑफ पेज, बैक लिंकिंग फलाना, ठीक है, स्टैटिक पेजेस हैं ये, और इनको यहां से लिंक कर। अब मैं ब्लॉग में जब भी ऑन पेज के कोई टॉपिक पे लिखूंगा तो मैं उसको ऑन पेज के स्टैटिक पेज से लिंक कर दूंगा, इंटरलिंक दे दूंगा, तो लिंक जो सारा इस तरीके से ट्रांसफर, और गूगल को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हाँ यार ये इस तरीके से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रैंक आपको इजीली मिलेगा, समझ रहे हो बात। ये बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश करना, इसको सीखना, गूगल पे लिखोगे सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी वेब स्लोइंग के बारे में, फिर हमसे पूछना ग्रुप पे। अच्छा जनाब फाइनल वर्ड्स, अगर तो आपको ये समझ में आ गई आपको क्या क्या चाहिए भाई, कोई वेबसाइट करने के लिए आपको लिखना खुद से आना चाहिए, नहीं तो आपके पास पैसे होने चाहिए किसी से लिखवाने के लिए, फिर आपको कुछ टूल्स खरीदने पड़ेंगे लाजमी, जिससे कि आप फ्री से भी काम ले सकते हो लेकिन जब आप प्रॉपर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो खरीदने ही पड़ेंगे टूल्स, ठीक है। फिर आपको अगर कोई अच्छा कीवर्ड रैंक कर रहे हो तो आपको पीबीएन के लिए डोमेन्स चाहिए और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आप क्या करोगे, आप पैसे कमाओगे कहीं और से जाके कमाओ, यहाँ पे नहीं टाइम जाया करो ब्लॉगिंग के अंदर, ब्लॉगिंग में नहीं, मैं यही मशवरा दूंगा भाई। हाँ खुद निकाल सकते हैं गुलाम रबानी, हर चीज खुद निकाल सकते हो, सिर्फ टाइम की बात है और सीखने की बात है, हर चीज खुद निकाल सकते हो। अच्छा अब इसमें मैं आपको दो सर्टिफिकेशन जो है वो करने का, पंकज ही शेयर करेगा इनको, एनालिटिक्स और एडवर्ड्स की सर्टिफिकेशन है। अगर आपको लगता है कि आप ब्लॉगिंग आप अभी फिलहाल नहीं कर सकते, आपको पैसे चाहिए, आप ये दोनों सर्टिफिकेशंस अक्वायर करें, गूगल से मिलती हैं ये, आप ये सर्टिफिकेशंस लें, आप किसी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या एसईओ की कंपनी में जाएं, उनको दें, आपके हायरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस एग्जाम को पास करने का सर्टिफिकेशन। हाँ चैट में मैं इनको लिंक दे देता हूँ, अभी मुझे चैट पूरी खोलनी पड़ेगी, ठीक है, ये लिंक देते हैं आपको, आप ये सर्टिफिकेशंस अक्वायर कर लें, आप किसी कंपनी में लग जाएं, आप वहाँ पे एसईओ में उन लोगों की वाट लगाएं, उनसे पैसे भी लें, उन्हीं पे सीखें, जब पैसे हो जाएं फिर उसके बाद इसको करें, ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे न्यूबीज के लिए कुछ तरीके हैं जैसे मैंने सीपीएल का बताया, फिर भी ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, समझ रहे हैं। अच्छा जी ये था आज का आपका वेबिनार,
और भाई कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया नहीं आया, क्या लूटा हमने आपको और क्या दिया, तो इसका ग्रुप पे हमारे बताइएगा आप, ठीक है। और बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों को देके वेबिनार, और उम्मीद है कि बाकी, हाँ बाकी एडवांस जो है वो सारा आपको पंकज बताएगा, जो कि हमारा समझ लें आप वो है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का, फिर इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहते हैं। टेक केयर, लाफिज लाफिज एवरीवन। मैं स्काइप पे आता हूँ, मैं ग्रुप लिंक देता हूँ सबको, गिल ग्रुप लिंक देता हूँ। हाँ जी अभी आओ, एक सेकंड एक सेकंड, अभी अभी कोई लीव नहीं करे, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, मेरी एक सेकंड बात सुन लो। ये सब बताने का मकसद एक ये था कि आप लोग जो है वो सही से प्रॉपर काम करो और लुटो नहीं, और दूसरों को नहीं लुटने दो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई लव यू टू सुहेब। दूसरों को नहीं लुटने दो, अगर जो एक्स स्टूडेंट्स थे ऐसे गुरुज के, उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया होता तो मेरे 8 महीने और मेरे तकरीबन लाख रुपए नहीं जाया होते। ये उन लोगों को इस चीज का, उन लोगों के ऊपर ब्लेम है इस चीज का, उन्होंने नहीं स्टेप लिया ऐसा कोई, पहली चीज ये थी। सेकेंडली ये अभी और इससे क्या है, जो लोग प्रॉपरली काम करेंगे, ठीक है, पीपीएन अपने बनाएंगे, हमारे साथ चलेंगे, सही है, मतलब हमारे साथ चलेंगे से मुराद ये कि अपने पीबीएन अपने बनाओ, अपनी वेबसाइट रन करो, हम तो नहीं मांग रहे आपकी वेबसाइट, लेकिन अपने पीबीएन बनाओ, और उसके बाद हमें हमें बताओ कि हाँ जी आपको आगे आप बना सकते हो, आपने पीबीएन बना लिया, हम इसमें गाइड भी, जाहिर सी बात है हमसे जो काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और ग्रुप बनाया हुआ है बिकॉज सीक्रेट, उसमें अभी फिलहाल मैं और पंकज जी हैं वैसे, ठीक है, उसका नाम है, हमने रखा जो है बिल्कुल इलीट क्लास है वो, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम लोग अपने ब्लॉग्स जो हमारे पीबीएन नेटवर्क्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे, समझ रहे हो बात को, यानी एक बंदा अगर हम में से 20 पीबीएन नेटवर्क बनाए हुए, तो आप ये सोचो जब 10 बंदों ने पीबीएन नेटवर्क बना लिए तो 20 20 200 का पीबीएन बन गया, हर कोई अपनी वेबसाइट रैंक कर सकता है। लेकिन वहां तक जाने के लिए हम लोग अभी वो उसमें जाने का सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने प्रोग्रेस शो करोगे हमें, जितना आप आगे बढ़ोगे हमें तभी फायदा है, हम कोई जाहिर सी बात है जिसको आता ही नहीं उसको वहां डाल के कुछ नहीं कर सकते। आय हाय अब्दुल रऊफ, टोटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, बिल्कुल हन्नान, रशियन मार्केट जबरदस्त, रशिया बन रहे हैं हम लोग, हम भी मार्केट बनाएंगे अपनी। देखो रशियन यही करते हैं, वो जाहिल नहीं है, अकेले काम नहीं करते, वो अकलमंद है, उनको पता है कि मिलके काम करने में क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, रशियंस की इतनी बड़ी मार्केट है SEO.RU के नाम से, जो बताते नहीं है लोग, पूरी रशियन में यहां से बैकलिंक मिलता है, इतना महंगा बैकलिंक मिलता है, $3,000-3,000 का एक बैकलिंक मिलता है, यहां से एक बैकलिंक ले लो आपकी वेबसाइट पूरी अप हो जाती है, पूरी रशियन में वेबसाइट है ये SEO.RU, ये रशियन मार, ये बहुत कम लोगों को पता है, पंकज ने मुझे बताई है और पंकज को भी बड़ी मुश्किल से पता लगी है, इसको आगे नहीं करना। जी जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी मार्केट बनाएंगे, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह इतने महंगे लिंक्स खरीदने की, तो अब आप लोग काम करो, आप लोग तरक्की करोगे आगे तो हमारे भी किसी काम आओगे, हम आपके काम आएंगे, ठीक है। तो इनके पास 7 मिलियन वेबसाइट्स का डेटाबेस है, हम लोग थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलो यार, तो भाई ये सीन था सारा, उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओ एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप पर, रिकॉर्डिंग एंड द प्रेजेंट।